नमस्कार सभी को। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इसका जो भी बैकग्राउंड है इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि आओ तापी नदी को जाने वेबिनार कैसे शुरू हुआ। हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेधाताई पाटकर, पीवी राजगोपाल जी, इन सभी से सीखकर हमने आओ नदी को जाने, हमारे जो महाराष्ट्र जल बिरादरी के विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर, इन्होंने इन कोरोना पैंडेमिक आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार शुरू किए। लगभग 44 एक्सपर्ट को उन्होंने इनवाइट किया और इसके बाद में ऐसे तय हुआ कि अप्रैल 2021 में हम फिजिकल यात्रा निकालेंगे फ्रॉम नासिक टू वर्धा। लेकिन सेकंड वेव था कोरोना का, इसलिए ये यात्रा हो नहीं पाई। उसके बाद में ऐसे तय हुआ कि ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू करते हैं महाराष्ट्र की। नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा शुरू हुई, नासिक से जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे करते हुए ये यात्रा पिछले 2022 जुलाई तक लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुआ। और ये कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा चला जानुया नदीला, ऐसे फिजिकल वर्क लगभग 108 के ऊपर नदियों के ऊपर शुरू है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट की एक दो नदियां शामिल है। और अभी हम आओ तापी नदी को जाने इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू हुई 2021 अप्रैल में, तो उसके बाद में जब नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ये तीन डिस्ट्रिक्ट का यात्रा कंप्लीट हुआ, तो हमने तय किया कि जैसे आओ नदी को जाने शुरू है वैसे आओ तापी नदी को जाने ऐसे ऑनलाइन संवाद यात्रा हम शुरू करते हैं। तो हमने मई 2021 में पहला वेबिनार लिया और तब तय किया हमारी पूरी टीम ने कि हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे और ये आओ तापी नदी को जाने वेबिनार शुरू करेंगे, जारी रखेंगे। इसमें हमें जो सीखने को मिला, हमने जो सुनने को मिला, वो बहुत ही हमारे लिए और पूरे तापी रिवर बेसिन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। जैसे कि तीन राज्यों से अब तक महानुभव आ चुके हैं जिनका जमीन के ऊपर 10, 20, 40 साल के ऊपर का भी एक्सपेरिमेंट है किसी किसी का। और इसके अलावा इन्होंने जो कार्य किया है, हर एक का कॉर्नर अलग अलग है। हर एक कोई खेती के ऊपर काम कर रहा है, कोई मिट्टी के ऊपर, कोई पानी के ऊपर, कोई फॉरेस्ट के ऊपर, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ऐसे अलग अलग महानुभाव, लगभग 110 से भी ज्यादा महानुभाव यहाँ पर उनकी बात रख चुके हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे साथी डॉक्टर एच एम पाटिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के वक्त भारद्वाज सर उनका परिचय करवा। नमस्कार सभी को। आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में जो सम्मिलित है उन सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस योगेश किशन राव भारद्वाज फ्रॉम निफाड़ डिस्ट्रिक्ट नासिक। हिज क्वालिफिकेशन इज बीएससी जियोलॉजी। ही इज वर्किंग फॉर एनवायरमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Having own firm, Bharadwaj Ecotech experience of treating wastewater for different municipal corporations. He work on projects like Morona reservation, making of DPR for Mausam River of Malegaon district from Nasik. Working for grassroots level since 1994, he also works for promoting organic farming and biosensing sanitizer technology. And its application for nala rejuvenations, river rejuvenations, bio mining, agriculture, etc. He has having experience of river rejuvenation using natural technologies with minimal use of machinery.
मैन पावर एनर्जी एंड वेरी गुड एथेस्टेटिक्स सो आफ्टर ऑल द प्रेजेंट रिसोर्स पर्सन इज हैविंग अ सस्टेनेबल experience of using his knowledge and technologies sustainable and judicious way so I welcome Dr. Mr. Yogesh Bharadwaj ji I welcome you so please address the our gathering here in the online platform Yogesh Bharadwaj ji सर अनम्यूट कीजिए और आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट है मराठी हिंदी इंग्लिश यू कैन स्पीक नो प्रॉब्लम थैंक यू सर मराठी हिंदी में करेंगे आओ तापी नदी को जाने ये जो अपना आज का वेबिनार है इसमें मैंने जो भी काम किया है आज तक वो काम कैसे रिलेट कर सकते हो तापी नदी के बारे में वो जो भी काम किया है उसका उपयोग कैसे हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हमने अकोला के रिवर पे काम किया है वहां के ऑनरेबल कलेक्टर अस्तिक कुमार पांडे सर थे उन्होंने हमें एक 8 किलोमीटर का स्पेस दिया था रिवर का क्योंकि हमने जो टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताया था बायो सैनिटाइजर टेक्नोलॉजी तो उन्होंने ऐसे तय किया था कि जितने भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है 2018-19 में वो सारे टेक्नोलॉजी को वो चांस देंगे हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर वो 8 किलोमीटर को उन्होंने हमें एक बीस दिया था रिवर जो भी रिवर के बारे में हम लोग बात करते हैं जो भी रिवर के लिए आप लोग काम कर रहे हैं आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो रिवर के जो 3 एरियाज है वो मेन एरियाज है जैसे जहां से शुरू होती है वहां से कुछ किलोमीटर तक मतलब वो पहाड़ों से ही शुरू होने वाली है और कुछ नदियां जो है वो थोड़े जो डैम होते हैं वहां से शुरू होती है तो पहाड़ों से शुरू होने वाली नदियां या डैम से शुरू होने वाली नदियां कुछ किलोमीटर तो सबसे प्योर होता है डायरेक्ट हम लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन जो पहाड़ों से शुरू होने वाली जो नदियां होती है उसके पानी में जो पहाड़ों से वो शुरू होती है वहां पे जो भी बायोडायवर्सिटी है जो भी इकोलॉजी है जो भी पेड़ पौधे हैं और रॉक कौन से टाइप का है उस पर उसके क्वालिटी डिपेंड करती है क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी उसमें से पहाड़ों से गुजर के पेड़ पौधों के रूट से गुजर के आगे निकल आता है जैसे त्र्यंबकेश्वर में भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी जो शुरू होती है तो वहां सबसे ज्यादा महत्व जो है वो गंगा द्वार पर ही है ऑनरेबल राजेंद्र सिंह जी कई बार उन्होंने गंगा द्वार पे विजिट किया है और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि वहां पे पेड़ पौधे होना ज्यादा जरूरी है तो जब भी तो ये जो एरिया है पहला एरिया जहां पे पानी नदी का शुद्ध होता है उसके बाद में जैसे ही शुरुआती से अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे तो मानव जात जो बसी है वो नदी के किनारे ही बसी है जो फर्स्ट प्रायोरिटी है या पानी जीवन है पानी के बिना तो अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं है तो पानी की जरूरत के हिसाब से जो भी गांव बसे हैं वाड़ी बस्तियां बसे हैं वो सब नदी के किनारे ही हैं
तो जैसे ही ह्यूमन टच आता है, जैसे ही आदमी का संपर्क नदी से हो जाता है, तो धीरे धीरे पोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ये रिवर रिजुएशन करने का स्टडी करने के टाइम हमने जो सोचा, हमने जो ऑब्जर्व किया, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले के जमाने में भी सर, आपका प्रेजेंटेशन नहीं शेयर किया है? शेयर किया है या नहीं आपने? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, करता हूँ। ओके ओके। तो जैसे ही ह्यूमन का नदी से संपर्क हो जाता है, आदमी का नदी से संपर्क हो जाता है, तो पोल्यूशन शुरू हो जाता है। पहले के जमाने में, मतलब हम अगर देखेंगे तो अपना टॉयलेट का जितना भी वेस्ट था, वो डब्बा टॉयलेट होता था सिटी में भी, और सुबह सुबह, बड़ी सुबह 3 पूरे गांव में से वो सब टॉयलेट का टट्टी जमा करके वो एक कंटेनर टॉयलेट की तरफ गया, फिर पोल्यूशन की तरफ गया, और फिर ये सब बड़ी जोर शोरों से इसके ऊपर डिस्कशन होने लगा। तो गांव का जो भी वेस्ट होगा, तो वेस्ट कहाँ होगा, कहाँ दिखाई देगा, गांव के लोगों की साइकोलॉजी कैसे है, वो किस तरह का जीवन जीते हैं, ये अगर आप हमें देखना है, तो हम लोगों को वो नदी के, वो गांव के पास में से जो नदी गुजरती है वहां पे अगर जाएंगे तो सब मालूम हो जाता है। गांव का जो भी वेस्ट जमा करते थे वो भी नदी के किनारे ही डाला जाता था। अभी भी रूरल एरिया में नदी के किनारे ही डाला जाता है। बहुत सारे सिटीज या गांव या तालुका लेवल के जगह हम लोग देखेंगे तो सब जगह का वेस्ट जो है वो नदी के किनारे ही होता है। तो अगर हम सोचेंगे तो नदी के किनारे जहां पे गांव आते हैं, वहां पे सालों से कम 50 साल, 60 साल, 70 साल तक हमने इगतपुरी का बायो माइनिंग किया, वो कम से कम 45 ईयर्स का था वेस्ट वहां पे डंप कर रहे थे एक जगह पे। तो ऐसे हर एक सिटी में हम लोग मान के चलेंगे कि 60-70 साल से ये सब कचरा एक जगह पे ही इकट्ठा किया जा रहा है या डंप किया जा रहा है। तो पहले के जमाने में, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि 20 साल पहले तक प्लास्टिक तो नहीं था वेस्ट में, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा था, तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो अपने आप नेचुरली कंपोस्ट हो जाता था, तो उससे पानी का पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता था या जमीन का पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब से ये पोल्यूशन में, जब से अपने जीवन में प्लास्टिक आया है, कैरी बैग आई है, सिंगल यूज कैरी बैग आई है, तब से पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। और पोल्यूशन मतलब जो भी लोग गांठ मार के जो कैरी बैग या वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं पूरा कूड़ा उसमें भर के, तो उसके अंदर कंपोस्टिंग नहीं हो सकता, वो सड़ जाता है, कंपोस्टिंग का अलग लेवल उसमें शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो भी लीचेट निकलता है, वो लीचेट ज्यादा पॉइजनस होता है, उसमें बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के लिए या कोई भी जानवर जो नेचुरल है या कोई भी प्लांट उसके लिए पॉइजनस, उसमें लीचेट में पॉइजनस एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब हमने बातें सोची, इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आता है नाला। कोई भी गांव अगर हम लोग देखेंगे तो गांव का नेचुरल स्लोप जो होता है वो नदी की तरफ ही होता है। तो गांव का जितना भी वेस्ट वाटर निकलता था वो सब वेस्ट वाटर नदी में ही जाता था डायरेक्टली। तो मतलब पहले ये इतना हैबिचुअल हो चुके थे हम लोग कि गटर का पानी नदी में ही जाएगा, जो भी कूड़ा कचरा है नदी में ही जाएगा, जो भी ज्यादा कूड़ा कचरा तैयार हुआ है, कोई भी प्रोग्राम हुआ है, बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हुआ है, उठा और नदी के किनारे जाके डाल दो, और बाकी टॉयलेट का वेस्ट तो होता ही था। तो टॉयलेट के वेस्ट के लिए अभी स्वच्छ भारत में, जो है स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था,
उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने FSTP कंपलसरी किया। तो FSTP कंपलसरी तो क्या है, उसके लिए फंड्स दिए हैं, मतलब नगर परिषद के लिए ये दिया है 30,000 के ऊपर जो भी पॉपुलेशन जो भी गांव का है जहां नगर परिषद है उनको ये FSTP का स्कीम दिया। FSTP उन्होंने बनाया जो भी फंड्स मिले हैं उसमें, क्योंकि वो कंपलसरी था। लेकिन उसमें जो अगर हम लोग किसी भी जगह का FSTP देखेंगे तो 60% FSTP में जो भी प्लांट्स लगाए एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन या उसको हैंड ओवर करने के टाइम, वो प्लांट्स मर गए क्योंकि ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उन्होंने फंड्स नहीं दिए थे, वो FSTP भी आज काम नहीं कर रहे। तो आज भी वो वैक्यूम MTR कहाँ जाके डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मालूम नहीं है। मराठी में एक सेइंग है, झाकली मूठ सब वाला खाची, तो वैसा भी हो सकता है और वैसा भी होता होगा। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई भी रिवर रिजर्वेशन का, कोई भी नदी जीवित हो जाए, कोई भी नदी 12 महीने उसके पानी बहता रहे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके पहले वो पानी का क्वालिटी सुधारने के लिए हमें ये सारी बातों पे ध्यान देना पड़ता है। गटर के बाद में बड़े बड़े सिटीज में जो बड़े बड़े नाला होते हैं वो कम से कम 6 फीट बड़े या 10 फीट हाइट वाले या चौड़ाई वाले नाले होते हैं, वो नाले भी नेचुरल स्लोप में नदी की तरफ ही जाते हैं। तो इसमें फ्लड कंट्रोल के लिए वो नाले रखने पड़ते हैं, नेचुरल है, नेचुरल स्लोप है। तो उसमें से 4 महीने के लिए वो नालों के बारे में बात होती है, 4 महीने में वो फ्लड का पानी उसमें से बहता है, लेकिन बाकी के 8 महीनों में जो बहता है वो सब पोल्यूटेड वाटर ही बहता है। आज भी लोगों को आदत है, मैंने कई जगह पे देखा है कि आज भी लोगों को आदत है, घर में जितना भी किचन वेस्ट बचेगा, फूड, कुकड फूड जो भी बचेगा, वो नाले में डाल देते हैं और वो नाले में सड़ता है, पानी का क्वालिटी खराब हो जाता है और वही नाला फिर नदी में उसे छोड़ देता है। तो पिछला गांव जो है, जो गांव ने पोल्यूशन किया है, उसका पोल्यूटेड पानी अगले गांव को जाता है, अगले गांव को वही पोल्यूशन पोल्यूटेड पानी को पीना पड़ता है। तो आज की ये सिचुएशन है। तो जब इसके बारे में भी हमने देखा, स्टडी किया, बाद में अपने अगले स्पीकर तो पेड़ पौधे प्लांटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो बायोडायवर्सिटी की भी थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में क्या हमने सोचा उसके लिए, जब भी रिवर रिजर्वेशन करते हैं, रिवर रिजर्वेशन करने के टाइम पे, DPR बनाने के टाइम पे, बहुत सारी एजेंसियां ऐसी है कि वो रिटेनिंग वॉल डालते हैं, वॉकवे डालते हैं, और रिवर का जो भी बेसिन है वो विड्थ वाइज छोटा हो जाता है। रिवर के साइड में जो भी प्लांटेशन किया जाता है उसमें से कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनका नेटिव प्लेस भी देखना चाहिए, वो जहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं वो गांव का, वहाँ के बारिश, वहाँ के जमीन, वहाँ के मिट्टी, उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये प्लांट्स वहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, उगेंगे या नहीं, बढ़ेंगे या नहीं, ये भी सोचना चाहिए। लेकिन हर नदी के किनारे दोनों तरफ प्लांटेशन बहुत जरूरी है। हम जो डॉक्टर उदय भवालकर IIT पवई से है, उनके साथ हम लोग जो काम करते हैं, उन्होंने तो कई बार बताया है, वो नेचर का स्टडी करते हैं, तो उन्होंने तो कई बार बताया है कि हमें प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं है, प्लांट्स अपने आप आते हैं, जैसे क्लाइमेट होगा, जैसे टेम्परेचर होगा, जैसे पानी होगा और जैसी जमीन होगी, मिट्टी होगी, वहां पे जो सूट होने वाला सीड है उसका जर्मिनेशन होगा और वो प्लांट बढ़ेगा। हमें सिर्फ करना क्या है, जो बढ़ने वाले प्लांट पेड़ पौधे है उनको काटना नहीं है, उनको बढ़ते देना है। तो अपने आप ये सब बायोडायवर्सिटी, सब इकोलॉजी डेवलप हो जाती है, और ये जो इकोलॉजी डेवलप होगी, नेचुरली ये जो इकोलॉजी डेवलप होगी, ये भी पानी को अपने आप शुद्ध करती है। नदी के दोनों किनारे हमने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि कई जगह पे कमल के फूल आए हैं, कई जगह पे हम लोग वो भाजी खाते, क्या बोलते हैं उसे, वो
आड़ू, मराठी में आड़ू बोलते, वो भी अपने आप उगता है कई जगह पे, तो बहुत सारे लोग उसे वहां से निकाल के लाते हैं, बाजार में बेचते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसके आगे जाएंगे, 100-200 मीटर आगे जाएंगे, तो वो फिर उगना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी ट्राई किया कि पिछले गांव वाले तो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम वहां से कंद निकाल के अपने यहाँ पे लगाएंगे, तो वो सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए वो उनके ध्यान में नहीं आए, लेकिन वो ट्राई करते रहते। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोलॉजी बहुत जरूरी है। तो ये इकोलॉजी में जो भी प्लांट के रूट्स है, ये रूट्स का पानी के प्यूरिफिकेशन में अहम रोल है। अपने नदी को 12 महीने बहते रहने के लिए ये पूरी इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी सबसे जरूरी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं, वो काम करते समय हम लोग भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी जो बात है, तो कभी भी रिवर रिजर्वेशन की बात शुरू होती है, नदी के प्यूरिफिकेशन की बात शुरू होती है, तो सबसे पहले सिल्ट निकालो और फार्मर्स को दो, फिर फार्मर्स वो उठा के लेके जाएंगे, डीजल का खर्चा हम लोग इकट्ठा करते हैं, डीजल का खर्चा करते हैं और फिर फार्मर्स लेके जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि पानी में अगर नाइट्रेट होगा, डॉक्टर भवलकर का कहना है, पानी में अगर नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट वाला जो पानी है वो जमीन में अंदर जाता नहीं है ज्यादा। तो आजकल जो फ्लड्स आ रहे हैं, वो फ्लड्स आने के कारण पानी में जो ज्यादा नाइट्रेट है, ये उसका कारण है, मतलब बारिश ही ज्यादा नाइट्रेट वाली होती है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि कंक्रीट बहुत हुआ है शहरों में, छोटे छोटे गाँव में, क्योंकि कंक्रीट के लिए फंड इजीली अवेलेबल है, कंक्रीट रोड के लिए फंड्स इजीली अवेलेबल है। तो उसी वजह से जब भी पानी, थोड़ा भी बारिश होता है, तो वो पानी जल्दी बह के नदी की तरफ जाता है। तो फार्मर्स भी बहुत ज्यादा केमिकल फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग हो रहा है। तो केमिकल फार्मिंग होने की वजह से मिट्टी का मिट्टी भी बदल चुकी है। ऑर्गेनिक मिट्टी आप स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक मिट्टी और केमिकल फार्मिंग की मिट्टी, दोनों में बहुत अंतर है। ऑर्गेनिक मिट्टी बारिश के पानी को सोख लेती है, बारिश के पानी को रोकती है, उसमें जमीन की धूप नहीं होती है। लेकिन केमिकल फार्मिंग जो है, उसमें मिट्टी के जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जल्दी वो पानी में घुल जाते हैं। थोड़ी भी बारिश होगी, पानी नदी की तरफ जाने वाला स्लोप होगा, तो वो पानी में सबसे ज्यादा ये ऊपर की जो मिट्टी है, ये मिट्टी उसमें घुल के निकल जाती है। तो पानी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं सिल्ट निकालने के, तो वो सिल्ट निकालते हैं, डैम से निकालते हैं, नदी से निकालते हैं, फार्मर लोग जाके डालते हैं, और 2-4 साल में वो सिल्ट वहां से फिर से नेचर क्या कर रहा है, पानी में बह के वो फिर से नदी में आ रहा है। तो सालों साल यही काम हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बायोसैनिटाइजर टेक्नोलॉजी में इसका सॉल्यूशन है, हमें सिल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो नाला बह के आ रहा है उसमें भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नाले में जो भी स्लज आता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रिवर रिजर्वेशन के बारे में एक आखिरी पॉइंट जो हमने स्टडी किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जहां से अगर नदी पास होती है, तो उसमें इलीगल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पनपती है। इलीगल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बैटरी का काम करते हैं, जो पुराने बैटरी होती है उसे निकाल के उसे नया बना के देना, तो बैटरी में एसिड बहुत होता है, लीड बहुत होता है, वो सब काम नदी के किनारे या बड़े नाले के किनारे ही होता है, वो सब पानी में छोड़ दिया जाता है। टैनिंग इंडस्ट्री है, बाकी के भी बहुत सारे इंडस्ट्री है कि जिसके वेस्ट पानी में आते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। ईटीपी का पानी भी नदी में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब भी ईटीपी का पानी नदी में छोड़ते हैं तो उसका एमपीसीबी ने जो भी नॉर्म्स दिए है वो नॉर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। बीओडी सीओडी, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीओडी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब केमिकल है, कोई ना कोई केमिकल आता ही है।
कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देखा है कि बोरवेल उन्होंने बना के रखे हैं, और बारिश के दिनों में जब भी बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तब अपना जो वेस्ट है वो बोरवेल में छोड़ देते हैं। बोरवेल पे निकल जाता है, या नदी के किनारे अगर वो वेस्ट छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट पानी में चला जाता है। बोरवेल भी अगर है तो वो नदी के निचले स्तर में चला जाता है। तो नदी में जो भी इकोलॉजी डेवलप हुई है, जो भी बैक्टीरिया पानी में है, बहते पानी में है, वो सब उस असर वो सब पे हो जाता है और इकोलॉजी खराब हो जाती है। तो ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हम लोग पीपीटी देखते देखते बात करेंगे। एक मिनट में मैं पीपीटी शेयर करता हूं। सर आप म्यूट हो गए हो और ये प्रेजेंटेशन मोड में लेना। अभी आया है ना? आया है। यस यस। अभी ये जो स्लाइड है पहली, ये 30-40 साल से जो भी कचरा नदी के किनारे पड़ा हुआ होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। एक एरोबिक बैक्टीरिया हम लोग छोड़ते हैं। बैक्टीरिया के दो टाइप है, एक अनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया। अनारोबिक बैक्टीरिया जो है उससे वो अपना काम करते समय जो भी बाय प्रोडक्ट तैयार होता है वो अलग टाइप का है, उसमें लीचेट होता है, उसमें कुछ गैसेस भी बनते हैं। तो इसलिए हमने उसका उल्टा काम किया है, हमने एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। एरोबिक बैक्टीरिया जब भी ये कचरे में हमने क्या किया है, कचरे में 10-20 फीट तक हमने पाइप को होल करके जेसीबी के द्वारा गड्ढा बना के उसमें वो पाइप डाल दिया, और वो पाइप में हमने एरोबिक बैक्टीरिया का कल्चर छोड़ दिया और ऊपर से पानी छोड़ रहे। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया फिर कचरे के अंदर, नीचे कचरे के अंदर वो पूरा फैलते हैं, उसको उनको खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा उसमें है, और फिर वो कचरे में जो भी अनारोबिक बैक्टीरिया ने जो भी लीचेट तैयार किया है, जो भी हैजर्डस गैसेस तैयार हुए हैं, वो सारे लॉक हो जाते हैं, और कचरे का बदबू और कचरे का लीचेट वो भी ट्रीट होता है। तो लीचेट जो पानी में बह के जाता है स्लोप से, रिवर के किनारे से, वो लीचेट अगर ट्रीट हुआ है तो वो लीचेट पानी में ज्यादा करता है। तो ये काम हम एक करते हैं। ये एक नाला है। अभी जब नाले के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नाला रिजर्वेशन ये एक नया कंसेप्ट आया है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन नाला रिजर्वेशन में कंक्रीट का इस्तेमाल कम से कम 80% हो रहा है। सी टाइप चैनल बनाते हैं कंक्रीट का, और फिर उसमें उनका जो भी टेक्नोलॉजी होगा वो टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नाले का नाला होगा तो उसमें हम लोग कंक्रीट कहीं भी यूज नहीं करते, कंस्ट्रक्शन का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट उसमें गैबियन बन बनाते हैं, और गैबियन बन बना के मैं दिखाता हूं एक मिनट। ये नीचे गैबियन बन बनाए हमने, ये नाले का फ्लो को रोकता है। गैबियन बन में मोर्टर नहीं है, सीमेंट और रेती नहीं है, तो पानी का जो फ्लो है वो पानी का फ्लो स्लो डाउन किया है, और इसमें हमने बायोसैनिटाइजर डाल दिया है। बायोसैनिटाइजर ये ऐसा पदार्थ बनाया है डॉक्टर,
कि जिसमें बहुत सारे नेचर में से बहुत सारे प्लांट के एक्सट्रैक्ट उसके ऊपर स्टोर किए गए, और वो जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट है वो जब पानी के संपर्क में आता है तो पानी में वो नेचुरल ऑक्सीजन बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आयनिक फॉर्म में होता है O-. तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसका रिएक्शन चलता ही रहता है पानी में, जब भी हम लोग डालते हैं तो उससे बहुत दिन तक इसका रिएक्शन चलता रहता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से सबसे पहले तो पानी का DO बढ़ता है, तो डिजल ऑक्सीजन अगर पानी का बढ़ेगा तो अपने आप ऑर्गेनिक मैटर का जो भी प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक मैटर का प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। इसके लिए हमें अलग से कोई एरिएटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से हवा अंदर छोड़ने की जरूरत नहीं है, या नाले का सिल्ट बहुत ज्यादा जमा है उसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो सील्ड भी अपने आप निकलता जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से नीचे से हम लोग जब बायो सैनिटाइजर पानी में रखते हैं नीचे से ये सील्ड निकल के ऊपर आ जाता है फ्लो के, और पूरा नीचे सब निकल के आएगा तो जब आगे गैबियन बंड बना है तो गैबियन बंड में ये रुक जाता है, और इसके ऊपर फिर हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। वो प्लांट जो है उसके लिए ये सबसे अच्छा फूड है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक मैटर ही है, और उसमें से जितना भी पॉइजन होगा वो निकल गया ऑक्सीजन की वजह से, और फिर वो प्लांट बढ़ते हैं, वो इसका इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं और पानी प्योर हो। ये बदलापुर MIDC का जो नाला है उसको हमने किया है, उसमें हमारे साथ पटा भी थे अंबरनाथ के, ये MIDC ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया था। MPCB के साहब लोग है वो विजिट करने के लिए आए थे, उनके पैर के नीचे आप लोग देख सकते हैं ये गैबेन बन, हमने पूर्णा रिवर में भी ऐसा ही बन बनाया है, उसका भी मैं फोटो आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ट्रीटमेंट, क्योंकि नाले को मतलब जब भी गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट कर रही है या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो सबसे पहले नाले का क्या करते हैं, नाले का पानी को एक जगह पे डाइवर्ट करके जमा करके फिर उठा के उसको STP में लेके जाते हैं, रिवर के बाजू में STP बना के वो STP में ट्रीटमेंट, वो ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ते हैं। तो इसमें एक एक जगह पे एक एक नाले को करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तो ये सब खर्चा कम करके MPCB के नॉर्म्स के अनुसार अगर हमें BOD, COD, PH, ऑयल एंड बाकी के जो भी पैरामीटर्स है वो अगर मिल रहे तो ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी काम करती है, सबसे कम समय में इसमें काम होता है। ये मोरना रिवर के बारे में है, ये इनके पैर के नीचे आप देख सकते हैं जहां जहां से मोरना रिवर में नाला आ रहे थे अंदर रिवर में, वहां पे हमने गैबियन बंड बनाया, और सिटी में से जो भी वेस्ट वो नाले में बह के आ रहा है उसको वहीं पे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, और फिर वो ट्रीटेड पानी नदी में जाता है। तो इसमें हमने ये पैरामीटर भी काउंट किए, कम से कम एक साल तक वो ये सारे पैरामीटर का ऑब्जर्वेशन किया, तो सारे पैरामीटर्स जो है वो धीरे 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 कम होते गए। इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, BOD है, COD है, फिकल काउंट भी है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट मिला है। ये एक एक महीने का छोटा छोटा शीट हमने लगाया, pH है, DO है, BOD, फिकल मैटर, कोल्हापुर में जो बाढ़ आई थी 2-3 साल पहले उस समय भी हमने ये पंचगंगा रिवर में या पंचगंगा रिवर में जो भी आने वाले नाला है एक दो नाला ट्रीटमेंट का चांस मिला था,
वैसे कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है उन्होंने हमें बुलाया था। वहाँ का जो कचरा था तो वो भी बहुत साल पुराना कचरा था। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ व्यापारियों के गोडाउन में पानी ज्यादा भरने के कारण उनका पूरा माल गोडाउन में ही सड़ने लगा था 2 दिन में। तो उन्होंने सारा ट्रक भर के उठा के डंपिंग ग्राउंड पे लाके डाल दिया था। तो ये पूरा जो कचरा बारिश के दिनों में जमा हुआ वो कचरे पर ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने हमें पे ट्रीटमेंट करने बोला था। तो उस समय भी हमने ये ट्रीटमेंट किया और उसी समय हमने ये एक दो नाले पे भी ट्रीटमेंट किया था। पूरे कोल्हापुर सिटी में हमने बायो सैनिटाइजर के पानी का स्प्रे भी किया था जिससे कोई पैंडेमिक नहीं फैलना चाहिए और लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पे कुछ जगह ऐसे होती है या कुछ नाले ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे जानवर भी मर जाते हैं बारिश के फ्लड की वजह से और वो मर के वहीं पे सड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ डिसीजेस फैल सकते हैं, इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट किया था और वो सक्सेस रहा। कल्याण डोंबिवली के आयुक्त सर है। हमने महाड़ का जो फेमस लेक है चौदार तले जिसका नाम है उसमें भी हमने बायो सैनिटाइजर ट्रीटमेंट का बायो सैनिटाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है 13-14 में। उसमें समस्या ये आती थी कि फिश उसमें बहुत ज्यादा थे, पानी का कलर पानी में शैवाल बहुत ज्यादा था और फिश समय समय में मर जाते थे अपने आप, मर के फिर वो पानी के ऊपर फ्लोट होते थे। और उनके साल में 3 प्रोग्राम होते हैं, 20 अप्रैल को एक होता है और अप्रैल को एक होता है सॉरी 20 मार्च को एक होता है, 14 अप्रैल को एक प्रोग्राम होता है। इस समय पूरे भारत के जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, बौद्ध समाज के जो भी लोग हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ये एक होली प्लेस है, इसका पानी वो पीते थे, गार्गलिंग करते थे और बोतल में भर के वो घर पे लेके जाते थे, हमेशा लेके जाते। तो घर पे लेके जाने के बाद फिर ऐसा ध्यान में आया या कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था कि जो भी बोतल घर पे लेके गए हैं उसमें कुछ लार्वा तैयार हुए हैं, पानी को बदबू भी बहुत आती है और वो पानी का कलर भी डार्क हो जाता है, मतलब गन्ने के जूस का जैसे हो जाता है। तो फिर वहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल ने हमें बुलाया था कि ये हमारी ये समस्या है, तो ये समस्या अगर आप समाधान दे सकते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट करो। तो हमने वहां पे ये ट्रीटमेंट किए, करने के बाद 2020 तक एक भी फिश उसमें मरा नहीं है, क्योंकि बायो सैनिटाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ गया, तो जिस कारण से डिजोल्व ऑक्सीजन कम होके मछली मरती थी वो बंद हो गई, पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ता है तो फिर वो लाइव वाटर बन जाता है, नेचुरली लाइव वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये लाइव वाटर बनने के कारण फिर जो भी लोग घर पे पानी का बोतल भर के लेके जाते थे उसमें लार्वा बनना, उसका कलर चेंज होना, अलगी बनना, ये भी समस्या अपने आप खत्म हो गई। तो लोगों ने भी फीडबैक दिया और लोगों का वहां पे फीडबैक, जितने भी लोग वहां पे आते थे उनका सबका फीडबैक अच्छा रहा। अभी 2020 के बाद वहां पे दूसरी कंपनी काम कर रही है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। ये महाड़ का ही है।
अभी मेरा तो प्रेजेंटेशन हो गया है, डिस्कशन अगर करना है तो हम लोग अभी डिस्कशन कर सकते हैं, अगर किसी को पूछना है तो वो, या आपका शेड्यूल कैसा है वो आप मुझे बताइए। विशाल जी, हाँ सर, आपका प्रेजेंटेशन हो गया। ओके, हम एक 2 मिनट राह देखते हैं, जो दूसरे स्पीकर है उनका, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो पहले उनका सुन लेते, बाद में क्वेश्चन आंसर लेते। एच.एम. पाटिल सर, उनसे बात हुआ क्या आपका? वो आई थिंक ज्वाइन हुए थे, फिर से लेफ्ट। माली सर अभी ज्वाइन हुए थे लेकिन वो लेफ्ट हो गए। ही इज ट्राइंग अगेन टू ज्वाइन। और मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए उनको, तो वो ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत होती होंगी। बंद कर दिया सर। तब तक हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं एच.एम. पाटिल सर। यस सर, भारद्वाज जी, ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है और आपके जो एफर्ट्स है, जो जगह जगह पे रंग ला रहे हैं, आपने जो बहुत सारी नदियों में ये जो स्टरिलाइजेशन का काम किया है, मतलब वो सैनिटाइजेशन का काम, वो बायोसेंसर टेक्नोलॉजी से किया है, ये बहुत ही अहम बात है। सारी हमारी तरफ भी, नंदुरबार तरफ भी नदियां है, उनमें यही प्रॉब्लम्स है, जो जो सीवेज स्लज होता है वो हमेशा नालों से बहकर यहाँ नदी में आता है। और तो ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस टेक्नोलॉजी? अप्लाई करने के लिए तो हमारी टीम है, या और डॉक्टर भवालकर जी है जी। तो आप लोग, अगर आपने अगर मुझे कॉल किया या मुझे बताया तो फिर हम लोग विजिट करते हैं एक बार जी। और विजिट करने के बाद फिर छोटा सा सिंपल डीपीआर बनाते हैं, जो हम लोग डीपीआर देखते हैं बाकी के प्रोजेक्ट्स का, उसका वो बाकी का हम लोग सब छोड़ के सिर्फ पानी के ऊपर ही फोकस करके सिंपल डीपीआर बना के देंगे, और फिर सीएसआर फंड की हेल्प लेके हम लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं जी। तो किलोमीटर के हिसाब से कितना खर्चा आता है सर उसको? अभी किलोमीटर के हिसाब से खर्चा तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो सब कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया, पूरा स्टडी कर, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोलॉजी क्या है, लोगों का रहन सहन क्या है, नॉन वेज खाने वाले लोग कितने ज्यादा है, वेज खाने वाले लोग कितने हैं, उसके बाद में अगल बगल में जानवर कितने हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, वो सब स्टडी करके फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस यही है कि ये नेचुरल टेक्नोलॉजी है, कम से कम पैसे में इसका इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का और नेचर को इसका फायदा हो। हाँ सर, एक मुझे क्यूरी थी, ये जो एक प्लांट आज के दौर में नदियों में ज्यादा बढ़ रहा है, या वो जो जहाँ नदी का पानी दबके सा हो जाता है, तो वहाँ वो इकॉर्निया करके एक प्लांट है हमारा बॉटनी का, वो हम उसको है। तो इनका मेन फूड जो है इकॉर्निया का, वो नाइट्रेट और फॉस्फेट है। फॉस्फेट जो आता है वो डिटर्जेंट से आता है, या, तो ये या
कोई भी एसटीपी वो रिवर पे होगा, वो एसटीपी का ट्रीटमेंट पानी का अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर उसमें नाइट्रेट या फॉस्फेट ज्यादा होते हैं। तो ये नाइट्रेट फॉस्फेट पानी में ज्यादा बढ़ने के कारण एक, और दूसरा पानी स्टैग्नेंट बन गया, एक जगह पे खाना रुक रहा है, तो ये जलकुंभी बढ़ती है। तो डॉक्टर भावलकर जी का जो भी संशोधन है वो नाइट्रेट के ऊपर ही है। तो पानी के अंदर का अगर नाइट्रेट हमने कम कर दिया तो जलकुंभी का जो भी फूड सप्लाई है वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। फूड सप्लाई अगर बंद होगा तो फिर उसका ग्रोथ भी बंद हो जाती है, नहीं तो इकोरनिया की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। तो बहुत सारे जगह पे ये प्रयास किया जाता है कि उसको निकाल के जेसीबी से या कोई अलग अलग तरीके से निकाल के उसको डाले जाते हैं नदी के किनारे, या उसका कंपोस्टिंग किया जाता है, लेकिन निकालने से वो और भी बढ़ता है। जैसे किसी प्लांट को अगर आपको बढ़ाना है, उसकी ग्रो करनी है तो उसको छाटो, तो उसी तरीके से उसको उल्टा फायदा ही हो रहा है। तो दो जगह पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा करके लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करके डिटर्जेंट कैसे कम किया जाता है, इस्तेमाल कैसे कम किया जाएगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और नदी में जहां जहां से नाले आ रहे हैं, गटर का पानी आ रहा है, वो सारे नाले और गटर के ऊपर हम लोग बायो सैनिटाइजर ट्रीटमेंट करके पानी में इसकी ग्रोथ हम लोग रोक सकते हैं। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका ये जवाब के लिए। और एक्चुअली माइसेल्फ इज बॉटनिस्ट, लेकिन वो उसको कंट्रोल कैसा करते हैं वो मालूम नहीं है। हमारी नदियों में अभी वो जमा होना शुरू हुआ है, जिन नदियों पे हमने अभी चला जानू या नदीला इसके अंतर्गत लिया है। तो आपसे आपका नंबर विशाल जी से ले लेंगे हम, तो यस वी विल कॉन्टेक्ट यू। और इसमें एक मिनट मैं लेता हूँ सिर्फ, इसमें एक काम मैंने मतलब ऐसे सुना है, मुझे पक्का मालूम नहीं है, आलंदी में कोई एक सदगुरुस्त है पुणे के नजदीक जी, जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि इकोर्निया की लाइफ साइकिल का स्टडी किया। ओके हाँ। और उन्होंने ये बताया कि ये जो इकोर्निया की लाइफ साइकिल है इसमें कुछ समय ऐसा होता है कि उनके जो शूट बढ़ते है पानी के ऊपर उसमें फ्लावर बनते हैं और उसमें पोलन ग्रेन्स बढ़ते बहुत ज्यादा, तो वो बस्ट हो जाता है। वो बस्ट होके कम से कम 1 से 2 लाख सीड्स एक एक में से पानी में जाते हैं। और जब वो पानी में जाएंगे उनको, जब मैंने पहले जैसे बताया उनको, जब आजू बाजू का एरिया पूरा सुटेबल हो जाएगा तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये इकोर्निया का लाइफ साइकिल स्टडी करके जो भी उनका शूट बढ़ने का टाइम है और बस्ट होने का टाइम है उसके ठीक 2-3 दिन पहले वो शूट काट लिए थे, उससे भी कंट्रोल हो सकता है। बराबर, ऐसा मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, मैंने ट्राई किया उनको मिलने का लेकिन नहीं मिल पाया मुझे। तो नहीं, अगर वो भी सही तरीका है। हाँ, लेकिन एक्चुअली इट हैज अ वेजिटेटिव ग्रोथ आल्सो फ्रॉम द लोअर स्टेम, लोअर स्टेम से भी ग्रो होता है वो पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं भी हुए तो भी उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कंटिन्यू नेचर राइजोम होता है उससे बढ़ते हो। तो ये दोनों तरीके से बढ़ने वाली है, तो उसको अपरूट करना और ये दोनों आप जो बता रहे हो दोनों ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ेगा, या ये नाइट्रेट्स और ये फॉस्फेट का प्रमाण वाटर में कम करना कर सकते हैं। सही है। जी जी बराबर। विशाल जी मैं चाहना फोन लाओ जी। योगेश सर तुमचा फोन नंबर चॅट बॉक्स मध्ये टाकून द्या ना, तुमचा आणि शक्य असेल तर भवाळकर सरांचा दोघांचे। भवाळकर सरांचा नाही टाकत मी आता, कारण ते फिरस्तीवर असतात, सगळेच फोन ते घेत आहेत। आपला टाका। हा मी माझा टाकतो। योगेश सर सुहास ताई आमचे सीनियर मेंटर आहेत या सगळ्या टीम मधले, नंतर मुनी सर आहेत, शैलेंद्र पटेल सर, हे सगळे सीनियर मेंटर आहे की हे सगळे आमच्या पाठीमागे असतात नेहमीच। तर मुनी सर आपको कुछ बात करना है, शैलेंद्र सर पहले, शैलेंद्र जी आते हैं कि पहले मुझे बोलना है?
कोई भी बात करे कोई प्रॉब्लम नहीं। शैलेंद्र जी आप कुछ पहले टर्न लेना चाहते हैं तो आई कैन स्पीक लेटर। नहीं नहीं आपका सुनने के लिए आतुर हूं। डॉक्टर पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात करी है सर। इकोर्निया क्रेसिपस इज यूज्ड बाय नासा स्पेस रिसर्च सेंटर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल हार्मलेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। द ओनली वे टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ जलकुंभी इज द मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ ए वाटर बॉडी should not be more than 60% occupied by this vegetation. And when you remove it, you have to leave 30% intact. If it is reduced more than that, then the treatment process does not happen. Now, regarding the rhizome that you have mentioned, it is called blue carbon. And that is where the sulfur and nitrate ratio is 1:37. It provides a nitrogen sink and does not degrade easily. It will take millions of years. Whatever the CNG gases and fuel that we take is because of the carboniferous forests which were buried 200-300 million years ago. Regarding jo Bharadwaj ji ka approach to bahut scientific, but some of the details need to be highlighted. For example, reactive oxygen species aapne bola hai, that will destroy even DNA of aerobic bacteria if bacteria are not able to accept that reactive oxygen species. And how you create nascent oxygen is a question. I wrote to Bhavalkar ji maybe 20 years ago, but he was not keen to disclose anything. And now in this scientific world, there is nothing secret under the sun. So, and if you want to help the society, holding any secret to your chest, it's uncivilized. Because sewage is not something you can declare close. You can close down an industry if there is violation. The whole world was under lockdown for 1.5 years under pandemic. Can you lock down sewage production? It's a biological need. And therefore, and it is an everyday sewage from 8 billion 365 days. And therefore, any epidemics and pandemics and pathogen related issues should be addressed at a global level, not at a business level. Baki aapka approach stepwise bahut acha tha, bahut badhiya. But it should be substantiated with stepwise scientific basics. Main khush, main bahut khush hua ki aapne koi aise waise scenic photograph nahi dikhaye. You showed a trash and that is the focus and to be addressed and all that. But aap tube well mein dal ke kuch apne jo pipe dikhaya usme kuch gehrai tak aerobic powder chhod diya, it should be highlighted. The details you may not really declare the formula kyunki आप कितना आधा दुनिया जीत लेंगे तो भी बाकी आधी दुनिया के प्रॉब्लम तो है। आज दुनिया भर में है, थेम्स में है, जापान में है, वॉशिंगटन में है, और सबसे ज्यादा डेथ पेंडेमिक में तो एडवांस कंट्री में हुआ। तो व्हाट इज सीवियर ट्रीटमेंट देयर? इटली, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, नेदरलैंड्स। तो ये कोई 5-10% की मार्केट नहीं है कि आपको कब्जे करके रखना है। आप 5-10% की जगह 20% मार्केट कैप्चर करेंगे तो भी 80% ओपन है दुनिया के लिए। आप जितना दुनिया के साथ शेयर करेंगे और इन द प्रोसेस इफ यू आर मिसिंग सम स्टेप्स समबडी विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट। उसमें तो सबका ग्रोथ है ना।
बाकी मैं मुझे बहुत खुशी हुई, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मुनि सर। शैलेंद्र जी पहले तो भरद्वाज शर्मा जी सर। हाँ बोलिए शैलेंद्र सर। भरद्वाज जोशी है, मुनि जैसे लोग इतने दिग्गज लोगों ने बहुत अच्छे तरह से समझाया जो भी बात हुई। मी दरवड़ेला मैं हर वक्त बोलता हूँ कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि चला गया हुई है ओड़ा किनारा, हमें नाले पे काम करना होगा। नाले करेंगे तो ही देखो 100% अगर पार्टिसिपेशन आपको चाहिए पब्लिक का तो चला गया हुई है ओड़ा किनारा। जहां नदी नहीं है वहां पे भी ओड़ा तो है, हर एक गांव में ओढ़ा है। वो ओढ़ा पे काम करेंगे तो वो भूजल स्तर अच्छा रहेगा। भूजल स्तर अच्छा रहेगा तो इन फ्यूचर के लिए जितने भी लोग आएंगे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वो काम को आएगा। अगर आज भूजल स्तर ही बेकार हो जाएगा तो अगली पीढ़ी हमेशा आरोग्य से वंचित रहेगी। ये अभी भी ध्यान में आ रहा है। अगर इसको बचाना चाहिए तो चला गया हुआ ओड़ा किनारा। और पहले देखिए मुनि सर, मैं एक आपको मैं जितना जानता हूँ जिस तरह से मैं जानता हूँ मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये सही है क्या मुझे बोल देना प्लीज। पहले कोई भी सिविलाइजेशन था तो नदी किनारे कभी भी नहीं था, कभी भी ओड़ा किनारे नहीं था। मेरा मानना है, मैंने देखा भी है, खेती थी, लोग खेती करते थे नदी किनारे या ओढ़ा किनारे, जहां भी वाटर बॉडीज है वो पानी उनको सहूलियत से इजी ले सके इसलिए वो लोग वहां खेती करते थे। उनका रहने का सहने का नदी से दूर था। नदी से दूर जब था तो उसका जो भी वेस्ट ऑफ वाटर रहेगा या जो भी ऑफिकल्स रहेगा जो भी रहेगा वो नदी तक जाते जाते उसके जाते जाते खेत में से जाते वक्त नेचुरली बायोडिग्रेड होता था। नेचुरली जैसे मैंने गुजरात को देखा है, गुजरात में जो तालाब थे वो तालाब का पानी पीते थे गांव वाले, लेकिन उनके वहां सिस्टम ऐसा था कि 30 फीट का गड्ढा था, उस गड्ढे में वो टॉयलेट करते थे। गड्ढे से तालाब 200 फीट था तब भी कभी पोल्यूट नहीं हुआ, वहां का पानी पीते थे। ये मैंने खुद देखा है, बचपन से मैंने गुजरात को देखा है। लेकिन आज वहां ड्रेनेज सिस्टम जब आ गई, उनको ड्रेनेज सिस्टम जब आई तो उसका डायरेक्ट सीवेज उधर तक जा रहा, उसको मिट्टी का स्पर्श हुए बिना, इसीलिए उसका डिग्रेडेशन बंद हो गया। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो। दूसरा बात, ये जो बोल रहे थे जल कुंभी का मुझे सही में मुनि साहब ने बहुत बेहतरीन तरह से समझाया कि जल कुंभी आती क्यों है। तो आपको बचाने के लिए आई है, आपको बचाने के लिए तो आई है, इसलिए उसका अस्तित्व भी उतना ही जरूरी है। लेकिन पानी की सतह अगर पूरी बंद हो जाए तो पानी के नीचे के जीव को जीने के लिए सनलाइट नहीं मिलेगा, इसलिए 40% उसको निकाल दो। जो मुनि सर ने बोला वो सही बात है, वो करना है। तो हमारे यहाँ जो बोल रहे थे कि अबा मसूर के बोल के जो है जो देहू में काम करते हैं वो जब उसका फ्लॉरिंग नहीं वो जब निकलती है तभी उसको वो जाली में से निकाल लेते हैं। जब छोटी छोटी एक सेंटीमीटर जितनी होती है तभी निकाल लेते हैं उसको, इसलिए उसका कंट्रोल ऑफ द जल कुंभी का उस नदी के स्तर में होता है। ये मेरा ऑब्जर्व है। अभी मुझे यही रिक्वेस्ट मुनि साहब को और भरद्वाज जी को है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, इसलिए सही है क्या तो ये आगे इम्प्लीकेट भी करना होगा ताकि चला गया हुआ ओड़ा किनारा का मैं लास्ट 7 साल से गवर्नमेंट के साथ झगड़ा कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रीम्स जितने नक्शे में दिखते वो तो बचाओ, उसका सो अस्तित्व रखो नक्शे में, उसका विड्थ तो रखो, वो भी आप पाइप में से लेके जाओगे तो भूजल कहां से होगा। टोपोशीट में या तुम्हारे जीएसडीए के नक्शे में जितने भी नाले हैं
उसका अस्तित्व नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल अस्तित्व होना चाहिए, तो ही भूजल का अस्तित्व नेचुरल मिलेगा। स्प्रिंग मिलेंगे आपका नदी को बहने के लिए, कांस्टेंट प्योर वाटर का सप्लाई होगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद सर। एक मिनट मैं बोलता हूँ, आपने वो देहू में उनका नाम बताया जो जो निकलते हैं, उनका नाम क्या? आबा मसूड़गे। आबा मसूड़गे, मसूड़गे देहू में रहते क्या? देहू में रहते, और आप जो बोल रहे हैं, जो मैं सिद्धपेठ में रहते ना आलंदी वाले, वो निकालते नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ बोलते है 75 नदी में जो दिखते है आपको, वो बोलते है ही इज नॉट ट्रीटिंग ऑन दैट, एक्चुअली वर्क वर्क इज डन बाय द आबा मसूड़गे इन देहू। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। शैलेंद्र जी, यू वर ऑन द डॉट। Civilizations did not appear along the river. Yes. Due to meandering and floodplains, whatever the debris that the rivers brought from the hillside, they enriched the soil. And yes, that soil was highly productive. Correct. So civilizations developed along the productive soil. But productive soil manufacturing is function of the rivers. Correct. Rivers were born out of soil. Soil appeared on this planet somewhere around 500 million years ago. Pani to 4 billion years ago. Water is no value. H2O has no role. Take it from me. The activated water is H3O, which we rarely come to hear about. Okay, now soil came 500 million years ago. To jahan bhi thodi bhi chhati hui, that soil deepened because of compaction. Therefore, the surface water took that path and then started flowing and eroding the tops of soil. So they found a deeper soil. The contour of the river developed. So soil gave birth to river. Now the rivers have obligation to pay back. In meandering and floodplains, they are what soil manufacturing units of the planet. And the active member is river, number one. Number, sir, मैं आपको एक disturb करना चाहता हूँ। हमारे दूसरे speaker आ गए, पहले उनका सुन लेते, सॉरी फॉर दिस। जो दूसरे वक्ता है हम उनको सुनते हैं, बाद में हम आपसे सारा सुनेंगे। सॉरी, विशाल जी हाँ, एवढे मोठे व्यक्ती ना त्यांचं पूर्ण होऊ द्या, त्यांना शॉर्ट करू द्या। ओके ठीक मुनी सर, एक दो मिनिट कंटिन्यू कर। सो रिवर्स, लेक्स, even a drop of rain that falls on the soil is a reactor, it's a wetland. Correct. And vegetations of the lake, they are purifying agencies developed by the planet after millions of years of experimentation. Humne laboratory mein kya kiya 250 saal. So let us respect nature, understand the secret. And river or lake is not our stock of water. ये आपका bank balance नहीं है कि जी चाहे उठा लिया और जी चाहे कुछ dump कर दिया. So nature is free. भारद्वाज साहब, जब yes sir, vaccines were discovered, I mean manufactured by scientists, they did not take a patent on that. Jaise polio was free. Same thing with radium. Dr. Curie, when she found out radium, she put it to the service of the mankind. But again, everybody is not a cancer patient. Everybody does not need radiation. Sewage
is everybody's participation. No soul on the planet can say ki mera kuch role nahi hai sewage production. We all are contributing. So that's fine. तो आप रिएक्टर को रिएक्टर समझे एंड अगर रिमीडिएशन करना है तो नेचर इज हाईली कॉम्प्लेक्स इट इज सिंपल एंड फ्री बट इफ यू वॉन्ट इंटरवेंशन इट डिमांड्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस इन टोटलिटी थैंक यू आभार मनपूर्वक आभार मैं डॉक्टर एचएम पाटिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आज के दूसरे वक्त है उनका परिचय करवा माली सर आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आपका ऑडियो मेरे को आवाज आ रही है आपकी हाँ अभी आ रहा है आपका आवाज ओके कंटिन्यू हाँ आवाज यस यस एचएम पाटिल सर अनम्यूट कीजिए अनम्यूट आपकी आवाज में आ रही एचएम पाटिल सर आपकी आवाज नहीं आ रही आपको सुनाई दे रही है आवाज मुनी सर एचएम पाटिल सर की आवाज एचएम पाटिल सर नहीं आवाज नहीं आ रही है फोन करके बताइए उनको उनके ईयर प्लग है तो सुनाई नहीं देता होगा आपकी बात उनको नहीं सर आवाज ही नहीं आ रही है आपका शायद से वो हेडफोन में प्रॉब्लम है नहीं सुनाई नहीं दे रहा ठीक है मैं आज के हमारे दूसरे वक्त का ईश्वर माली सर उनका परिचय करवा देता हूँ सर फिर से लेफ्ट हो गया शायद उनका नेटवर्क का बहुत इश्यू है वेलकम संजय गुप्ता सर थैंक यू मैं लेट हो गया मेट्रो में था मेट्रो में ओके ओके आप माली सर का परिचय करा दीजिए तब तक वो कनेक्ट हो जाएंगे माली सर जो नंदुरबार से है और उनका जो भी है पिछले 8-10 सालों से ट्री प्लांटेशन में बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें अभी 3 साल पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वनश्री अवार्ड भी मिला है जो कि अच्छा प्लांटेशन के लिए दिया जाता है तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए माली सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका जो भी वक्तव्य हो शुरू कीजिए ईश्वर माली सर उनका ऑडियो फिर से कन ईश्वर माली हाँ शुरू कीजिए सर आपका ईश्वर माली सर आपका आवाज नहीं आ रहा है आप शुरू कीजिए ऑडियो भी वीडियो भी ऑन कीजिए और आपकी बात शुरू कीजिए बहुत ही प्रॉब्लम दिख रहा है ईश्वर माली सर हेलो फोन और बोला कितन चेष्टे प्लीज एक मिनट
एच एम पाटील सर माळी सरांचा ऑडिओ कनेक्ट नाहीये, तुम्ही बोलता का त्यांच्याशी? लागले पण स्पष्ट नव्हतं. आवाज आला ईश्वरबाई, आवाज येतोय का? हो आता चांगला येतोय आवाज. आवाज हो येतोय आवाज. एच एम पाटील सर तुमचा पण आवाज येतोय आणि माडी सरांचा येतो. माडी सर लेफ्ट झाले, ते परत लेफ्ट झाले. त्यांच्या इथं काहीतरी नेटवर्क इश्यू दिसतोय. आपण थांबूया 5 मिनिट. येतो का आवाज? हो येतो येतोय. सुरू करा ना तुम्ही. तुमचं ते नेटवर्कचा जर इश्यू असेल ना तर ते जिट नेटवर्क असेल तिथं जाऊन सेट करून घ्या. नेटवर्क आहे इथं. हा हा प्रॉब्लेम. तुम्ही बोलायला का? आवाज येतोय नाही तर पुन्हा जाईल नेटवर्क. हॅलो. हा सर बोला ना. हॅलो सर तुमचा आवाज येतोय, बोला ना. तुमचा आवाज नाही येत मला. हॅलो. हा सर आवाज येतोय तुमचा, बोला ना तुम्ही. मी बोललो एच एम पाटील सर ते जॉईन करतायत. रेंजचा इश्यू आहे थोडा. एच एम पाटील सर आवाज येतोय माझा?
माळी सर आवाज येतोय आता? हा आवाज आला आला. ठीक आहे, आता सुरू करा तुम्ही. मी ईश्वर माळी. येतो? हो सर येतोय आवाज, बोला ना. हा ईश्वर माळी, शहादा तालुका, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार. मी जवळपास 8-10 वर्षापासून वृक्षरोपण करतोय. हॅलो येतोय आवाज? हा येतोय का? हा येतोय, बोला. हा हा, तर मी सामाजिक काम करता करता मला लहानपणापासून वृक्षरोपण मध्ये आवड होती आणि मी त्या हिशोबाने शेतात हळूहळू कार्यक्रम घेऊ लागलो. त्या माध्यमातून जास्त आवड निर्माण झाली आणि मोठमोठे कार्यक्रम करून त्याच्यात बरेचसे वृक्ष जगत गेले. मला परत आवड निर्माण झाली आणि मी गावोगावी खेडोपाडी आदिवासी वस्त्यांमध्ये वृक्ष लागवड करत गेलो. बरोबर, बोला. हॅलो. हा बोला ना. हॅलो. हा त्या माध्यमातून आपण, हा त्या माध्यमातून आपण नदींच्या, आमच्या जे परिसरातील नद्या आहेत त्यांच्या आजूबाजूलाही आम्ही वृक्षरोपण केले आहेत आणि नद्यांची साफसफाई केली होती आम्ही. अजून सर? हा बोला ना, बोला. तुम्ही काय काय कशी सुरुवात केली, किती रोप लावली, कोणकोणते वृक्ष वाटप केलेले आहेत? आणि झाड, परत जे सावली आणि ऑक्सिजन घेतात असे झाडांची आपण निवड करतो दरवर्षी. आणि आंब्याची जिथं शेतकऱ्यांना आंबे, चिक्कू वगैरे असे रोप लागत असतील तर ते आपण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत असतो दरवर्षी. काही 1-2 वर्ष मी स्वतःच्या शेतातही तयार केले वृक्ष. यावर्षी केले असते पण थोडा प्रॉब्लेम आला त्याच्यामुळे यावर्षी काही झाले नाही माझ्याने सक्सेस. मग मी बाहेरून रोप आणून गावांमध्ये करत असतो. आता आमच्या परिसरात मागच्या वर्षी लावली होती मी 1000 रोप लावली होती. काही जगली, काही बकरी वगैरे यांनी चारून ते खराब झाली. परत यावर्षी परत लावायची आहे. आणि बाहेर जिथं जिथं वाटलं आपल्याला की या जागेवर आपल्याला आवश्यकता आहे तिथल्या लोकांशी संपर्क. बोला बोला ईश्वर भाई, बोला. हा बोला ईश्वर भाई, येतोय आवाज. हा तर हा बोला. त्या त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही सरपंच, गावाच्या लोकांशी संपर्क करून आम्ही वृक्ष लागवड करत असतो. आणि या माध्यमातून गावातील लोकांना अजून उत्सुकता वाढावी या हिशोबाने आम्ही अधिकारी लोकांना बोलून त्या वृक्ष लागवडीविषयी माहिती सांगतो, जनजागृती करत असतो की बा वृक्ष लावा तुम्ही, आणि त्याच्यातून लोकांना प्रवृत्त करतो. काही प्रमाणात बरेचसे लोक प्रवृत्त होतात आणि वृक्ष लागवडीकडे जातात. तरी बऱ्याच गावांमध्ये आमच्या या वृक्ष लागवडीमुळे बऱ्याच तरुण मित्रांना ती आवड निर्माण झाली आहे आणि ते दरवर्षी वृक्षरोपण करत असतात. आमचा जास्त प्रयत्न असतो अमरधाम परिसरात शाळा आणि गावातील ज्या गली असतात मोकळ्या त्या गलींमध्ये असं लावत असतो आम्ही. शाळेचे ग्राउंड मोकळे असले किंवा कोणी आम्हाला सांगितलं आम्हाला वृक्ष लागवड साठी वृक्ष आणून द्या तर आम्ही उपलब्ध करून देतो त्यांना स्वखर्चातून. आणि या वृक्ष लागवड सोबतच आम्ही विविध सामाजिक कार्यक्रमही राबवत असतो. परत या 8-10 वर्षाच्या लागवडीमध्ये वनस्त्री पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागितले होते, मी प्रस्ताव जमा केले होते. त्या माध्यमातून मला 2018 वनस्त्री पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.
हॅलो. हा बोला ना, बोला ईश्वर. हा सर, एवढं अजून काही. तुम्ही लागवड केली ते कोणकोणते वृक्ष होते साधारणतः? हा हे ना, लिंबू, बांबू, शिसमची रोप, वडाची वृक्ष. अजून जे आपल्याला ऑक्सिजन युक्त. हा रोप किती लागवड केली असेल साधारण? किती रोप? साधारणतः सर बरेचसे तरी आतापर्यंत 1,00,000 वरती तरी गेले असतील, जास्त पण कमी नाही. बरेचसे वृक्ष जगलेली, बरेचसे वृक्ष हे मरण पण ज्या ठिकाणी मरत त्या ठिकाणी ट्राय करत असतो, परत प्रयत्न करत असतो. त्याच्यातून 100 लावली, त्याच्यातून 50 जगली, 50 नाही जगली, परत आम्ही परत लावत. ओके. हा त्यांच्या कनेक्शनचा खूप प्रॉब्लेम. हा आले ते परत. हा येतोय ईश्वर भाई, आवाज बोला. तर असं बऱ्याच ठिकाणी आम्ही करत असतो, तरी 1,00,000 वरती झाली असेल आमची जवळपास, जास्त पण कमी नाही. तुमची स्वतःची नर्सरी आहे ना त्याच्या? नाही, स्वतःची. आपण शेतात आपण जाळी लावून स्वतः लिंब, शिसवाळाचे झाड, परत ते काही फुलांचे रोप तयार करायचो आपण. यावर्षी आपण मागच्या वर्षी यावर्षी तयार नाही केली, कारण थोडं रस्त्याची अडचण होती शेतात जाण्यासाठी. हॅलो. हा बोला बोला, येतोय आवाज. हॅलो. रस्त्याची अडचण असल्यामुळे आपण, रस्त्याची अडचण असल्यामुळे या मागच्या वर्षी आणि या वर्षी थोडं अडचणीचं झालं मला वृक्ष लागवडीसाठी. तरी आपण गावोगाव जाऊन प्रयत्न करत असतो की लावावं वृक्ष, आणि यावर्षी आपला प्रयत्न चालूच आहे. यावर्षी कमीत कमी 10,000 ते 20,000 वृक्ष लागवडीचा संकल्प आहे आमचा. पण ते स्वतः रोप तयार नसल्यामुळे, यावर्षी रोप तयार नसल्यामुळे थोडं अडचणीचं येत आहे रोप आणण्यासाठी. आणि हॅलो, इतर सामाजिक काम म्हणजे शिक्षकांना पुरस्कार देणं वगैरे? हो हो हो. तर ते आपण दरवर्षी आपण जे उल्लेखनीय कार्य करत असतात त्या लोकांना आपण प्रस्ताव मागवतो. ते प्रस्ताव मागून एक कमिटी तयार करतो, त्या कमिटीच्या माध्यमातून ते सिलेक्शन करतात, आणि ते जे सिलेक्टेड लोक असतात त्यांना आपण दरवर्षी 3 जानेवारी सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्ताने आम्ही आदर्श शिक्षक पुरस्कार आणि आदर्श दाम्पत्य पुरस्कार आम्ही देत असतो. आणि परत असं कुठलंही क्षेत्र असो त्याच्यात तो लोकांना काही हॉस्पिटलची अडचण असेल तिथं जाऊन त्यांची चौकशी करणं, त्यांना मदत करणं, गावातील लोकांना, परिसरातील लोकांना, काही आदिवासी लोकांना बऱ्याचशा अडचणी असतात त्या तिथं जाऊन आम्ही त्यांच्या अडचणी सोडवत असतो. परत मागेही आणि या वर्षी आम्ही गाडयुक्त धरणमध्ये आपण याच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणा आणि जैन संघटनेच्या माध्यमातून यावर्षी 2 धरणांचा गड काढण्यासाठी मदतही केली आम्ही, लोंढरे आणि दूधखेडा धरण. तसंच हा पाणी आळवा, पाणी जिरवा याच्यामध्येही मला मागे पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून माजी जिल्हा अधिकारी शेट्टी साहेब आणि संजय पाटील साहेब यांच्या हस्तेही जलरत्न पुरस्कार मिळाला होता. हॅलो. बरोबर. हा बोला ना, बोला.
हा तर या माध्यमातून बरीचशी कामं मी करत असतो. कुठलं कोरोना काळात 2 वर्ष मी बिलकुल कुठल्याही याला न घाबरता कोरोना काळात माझे जे जयनगर गावाच्या आजूबाजूतील 8 गावांमध्ये मी स्वतः फवारणी केली. माणसं येत नव्हते, मी स्वतः पंप पकडून फवारणी केली, सॅनिटायझर वाटप केली स्वखर्चातून. जे लोकांना काही हॉस्पिटलमध्ये प्रॉब्लेम आले त्यांच्याशी डॉक्टरांशी संपर्क करून त्यांना मदत केली. आणि जे कोरोना काळात वारले अशा लोकांना अम्बुलन्सची व्यवस्था केली, त्यांना ज्या अडचणी आल्या त्यांच्या घरच्या लोकांना ज्या अडचणी आल्या त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला. परत गाव लेवलवरती जे काही लोकांच्या समस्या असतात, शासकीय बरेचसे 2-2.5 लोकांची कष्ट वगैरे काढून दिले मी गरीब लोकांना, जे शहरापर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाही अशा जवळपास 40-50 लोकांचे विधवा वृद्ध अशा लोकांच्या पगारी चालू करून दिल्या, जे लोक तिथं पोहोचू शकत नाही फ्रीमध्ये. असे बरेचसे लोकांचे उत्पन्नाचे दाखले, रेशन कार्ड वगैरे असं मी लोकांसाठी करत असतो नेहमी. आणि जे अतिशय दुर्गम भाग म्हणजे आदिवासी, ज्यांना काही बाकीच्या गोष्टींशी लक्ष नाही, असं तिथल्या समस्या घेऊन मी स्थानिक आमदार खासदार मंत्री महोदय यांच्याशी संपर्क साधून त्या गावाच्या लोकांच्या समस्या सोडत असतो. बोला ना. हॅलो. हा बोला, येतोय आवाज. हा सर, एवढा. हा हा, अजून तर असं भरपूर आहे, पण एवढं आठवण आहे सर मला. अजून काय तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे असतील तर मी सांगेल त्यावर. आपण एखादी व्हिडिओ बघूया त्यांचा आणि मग प्रश्न. बाकीचे सर व्हिडिओ लेट झाले कारण आज योगायोगाने असं झालं आमची. हॅलो. धन्यवाद ईश्वर भाई. हा सर. हा, फारच छान. आणि तुमचं कार्य जे आहे, आपका जो कार्य है वो सोशल डायमेंशन में ज्यादा एक्टिव है. आपने 1 लाख से ज्यादा जो पौधे लगाए हैं और आप ये काम निरंतर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी नीड है कि एक्शन में कुछ लोग होना जरूरी है. तो आपके जैसे लोग जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उसी के बदौलत जो युवा है या जो लोग है समाज के अन्य तबकों में, उनको प्रेरणा मिलती है. धन्यवाद आपके इस कार्य के लिए. मैंने मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे को वनस्त्री पुरस्कार मिलना चाहिए या कोई मेरा सत्कार होना चाहिए. मेरे को मतलब मेरे में ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि कोई अगर लगता है कि ये काम करना है तो मैं पूरा मन लगा के, दिल लगा के वो काम को, अपना काम मतलब पूरे मन में लेके उसको लग जाता हूँ. अभी कोरोना काल में मैंने, हाँ, घर के लोगों ने बहुत डांटा मेरे को. जो मेरे परिवार नाते हुए संबंधी लोग थे उन्होंने भी डांटा कि लोग मर रहे और तू क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे को घर में नहीं आने देते थे कि तुम बाहर जाके आए हो. मैंने अलग से रूम में किया, लेकिन जो लोगों की तकलीफ थी
मैंने उनके यहाँ पे जाके उनको ये किया, मैंने जिनके जितनी मदद थी उनको मदद करने का काम किया, क्योंकि ऐसे टाइम में अपना सगा भी कोई नहीं था, तो भी उनको अस्पताल पहुंचाना, उनका इलाज करना बहुत अर्जेंट था। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, नीचे सोते थे लोग, तो भी उनका इलाज करना जरूरी था, ऐसे में बहुत से उनको ये किया मैंने। और इसके पहले भी बहुत से कार्य किए हैं, उनका वीडियो और बातमी वगैरह सब है, लेकिन वो क्या हुआ, आज जरा मैं इधर बाहर आ गया, थोड़ा हमारी एक वहनी एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से वो घर पे रह गया, नहीं तो पूरा डालता मैं आपको पहले से। ओके, धन्यवाद ईश्वर भाई। गुप्ता जी और बाकी जो लोग हैं जो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं या कुछ आपके राय रखना चाह रहे हैं तो यू आर वेलकम। चलेगा सर, पूछो पूछो। मुनि सर, शैलेंद्र सर, गुप्ता जी। हाँ सर पूछो, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। ईश्वर माळी सर, तुमचं जे कार्य है खूपच छान है, तुम्ही जे 1 लाखापेक्षा जास्त प्लांटेशन केलं, तर त्यात जस की जे बेनिफिशियरी आहे हे सगळं सार्वजनिक ठिकाणी लावलं का शेतकऱ्यांना पण याचं वाटप केलं? शेतकऱ्यांना पण आम्ही आंब्याचे पेरूचे झाड असं वाटप करत असतो। या वर्षी मी आता जस्ट आंबे आणलेले आहेत, तर काही शेतकऱ्यांना देतोय मी 1-1, 2-2 रोप त्यांच्या बांधावर लावण्यासाठी। हा, आणि पावसाळे या वर्षी थोडं माझं जे नियोजन होतं ते चुकलंय। मी पाऊस पडण्याच्या आधी 1 महिना आधी काही एक चांगला स्पॉट बघतो, कमीत कमी 2-1 हजार रोप बसतील असं, आणि त्या ठिकाणी लावून त्यांना ठिबक वगैरे जर पाण्याची व्यवस्था असेल तर त्यांना ठिबक करतो। लोकांकडनं जे जुनं ठिबक असतं ते जुनं ठिबक आणतो, किंवा माझं स्वतःचं वैयक्तिक जुनं ठिबक पडलेलं असेल ते आणून पाईपांचे तुकडे ताकडे जोडून, किंवा कमी पडले तर नवं पाईप घेऊन मी ते ठिबक करून ते रोपं जगवण्याचा प्रयत्न करत असतो। मुनी सर बोल रहे, प्लीज। शिखर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बात करी है, एंड योर वर्क इज वंडरफुल। थैंक यू। आई हैव सम क्यूरियोसिटी कि 1 लाख ट्री प्लांटेशन के बाद कितना इरिगेशन वॉल्यूम हुआ और कितने साल तक वो प्लांट की ग्रोथ की आपने कुछ रिकॉर्डिंग रखी, ऐसे कुछ डेटा है आपके पास? हाँ सर, डेटा है। अभी जो मैंने 8-10 साल से लगाए उनके फोटो निकाले, मैंने वहां पे जाके उनके साथ में फोटो निकाले। अभी जो स्कूलों में लगाए वहां पे फोटो निकाले, वीडियो किए है, लेकिन वो अर्जेंट किसी वजह से मैं बाहर आ गया तो दे नहीं सका मैं, तो भी सर को बाद में दे सकता हूँ मैं उनका। सर एक मैं और एक बात रखना चाह रहा हूँ मुनि सर। ईश्वर माली सर, जो जो टीचर स्कूल टीचर उनसे जुड़ते हैं या जिनके अच्छे काम होते हैं उनको वो पुरस्कार से खुद नवाजते हैं, शिक्षक दिन को या सावित्रीबाई फुले जयंती को, मतलब वो इनकरेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिज सोशल वर्क। खुद लगाते भी है, पेड़ भी देते है और संभालने के लिए भी देते है और उनको पुरस्कार भी देते है, ये बहुत अच्छी बात है उनकी। अभी अगर आपको वीडियो में अगर दिखता है तो मेरे घर पे अभी पेड़ पड़े हैं लोगों को बांटने। ठीक है सर। सर आप म्यूट पर। हाँ बोला ईश्वर पाटिल, ईश्वर माई। मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? नहीं, आपका वीडियो नहीं ऑन है। ऐसा है क्या? नहीं तो आपको मैं अभी जो पेड़ लोगों को बांटने के लिए
हाँ दिख रहा हमें अभी? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ तो मैंने अभी पेड़ बांटने चालू है तो हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं? हाँ हाँ दिख रहे हैं। पेड़ दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ जी 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 आंबे से दिखता है तो आम के शायद। हाँ आंबे चे आणि शिशु आंबे मी गुजरात मधून मागवले। हाँ केशर आंबे। हाँ सर आवाज येतोय? येतोय येतो आवाज। हाँ हे आंबे मी मधून 55 रुपये प्रमाणे एक रोप आणलंय 55 रुपये आणि ते आपण फ्री मध्ये लोकांना देतोय। थैंक यू ईश्वर जी। और कोई आप सवाल या कुछ सजेशंस? विशाल जी कैन यू कंटिन्यू? यस यस शैलेंद्र सर आपने अनम्यूट किया आप बात कीजिए। ईश्वरी कार्य करने वाले ईश्वर जी को प्रणाम। सबसे पहले बहुत बढ़िया काम। नमस्ते। एक तो अब मैं जेन्युइन इसलिए बोल रहा हूँ आप सीधी बात करते ग्राउंड लेवल पे काम किया और ये भी आप बोलते भी हो कि इस वक्त मुझसे नहीं होता है। ऐसा नहीं लोग बोलते हैं हमेशा मैंने इतना लगाया और 500 लगाऊंगा इस साल भी मैं 1500 लगाऊंगा। हालांकि होते हैं या नहीं होते पता नहीं लेकिन आपने ट्रू बात बोल दी कि इस वक्त मुझसे इतना नहीं होने वाला है। ये आपका आपका ट्रूनेस है ये आपके सच। जब तक वो पूरे पेड़ जगते नहीं तब तक मेरा मन ऐसे शांति नहीं होगा। और वो जो पिछले साल मैंने लगाया वो टाइम में अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे प्रांत साहब आए थे तहसीलदार साहब आए थे तो उन्होंने भी बोला कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है तो यहाँ पे हम प्लांटेशन के लिए 4 आदमियों को रोजगार देते ऐसे भी बोले वो मेरे को। और उन्होंने मंजूर भी किया अभी प्लांटेशन 4 आदमी वहां पे 3 साल तक वो पेड़ जग के तब तक प्लांटेशन करने का ऐसा बोले उन्होंने किया। मैंने भी फॉलोअप करके उनको किया हो अभी वो करेंगे शायद अभी 8-15 दिन में उनका जब जैसा टाइम मिलेगा उनको। जनरली मुझे लगता है कि वहाँ एक तो पानी के अंडर सतह पानी जो जाता है उसको मिलता है नेचुरल वो और सॉइल टेस्टिंग करना होगा मुझे ऐसा लगता है। आपने किया होगा उस जगह के सॉइल टेस्टिंग? हाँ प्रॉब्लम ऐसा है मेरे गांव में जो अभी सरपंच है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अभी जो हाँ मैंने जो एरिया में पेड़ लगाया उनको थोड़ा पानी का प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ। तो मैं वहाँ पे ठिबक करने वाला था ठिबक वगैरह सब लेके आया हूँ पड़ा भी है लेकिन जो सरपंच है उसने पानी देने से मना कर दिया ग्राम पंचायत। हाँ। का पानी नहीं मिलेगा ऐसा करके। हाँ। और बाजू में जो नदी थी नदी में इतना मैंने लेबर लगा के उसको पानी देने का प्लान किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ थोड़ा लंबा गिरता था।
तो अभी अगर वो सरपंच मदद कर देता तो मैं पूरे के पूरे पेड़ ये साल में एक साल के पूरे हो जाते थे। वहां के वाटरशेड का अभ्यास करने वाला कोई मिला है आपको उस एरिया का? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वाटरशेड करना होगा ताकि वो कहाँ पानी जमा कर सकते हैं, अंडरकरंट किस तरह से उस एरिया को पानी मिल सकता है, उसका स्टडी करने वाले भी तज्ञ लोग हैं, तांत्रिक करने वाले, उनको मिलके कर सकते हैं। आप फोन करके बात कर लेंगे, हम कर लेंगे सर, पक्का। धन्यवाद शैलेंद्र सर। योगेश सर, आपसे एक दो सवाल है मेरे। इसके पहले संजय गुप्ता जी, आपको कुछ बात करना है? मुझे तो केवल सुनना है, बोलना नहीं है। ओके ओके, ठीक है। योगेश सर, आप हो ना यहाँ पर? यस सर। आपने जो सारा बोला ये जो वाटर ट्रीटमेंट का, तो इसमें जो भी डीजल ऑक्सीजन का आपने चार्ट दिखाया, तो मेरा ऐसे सवाल है कि जहाँ जहाँ पर अभी डीजल ऑक्सीजन बढ़ गया है आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर जो नेटिव फिशेस है और नेटिव एक्वेटिक लाइफ है वो फिर से जिंदा हो गई है, फिर वो फिर से आए नहीं है नेटिव जो भी फिशेस है या एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उसके बारे में बताइए। जब डीजल ऑक्सीजन बढ़ता है ना, तो नेचर में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप नेटिव एक्वेटिक लाइफ जो भी है वो अपने आप बढ़ता है, नेटिव फिशेस जो भी होंगे या प्लांट्स जो भी होंगे वो बढ़ते ही है, उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया है और वो दिखने में आया है। ओके, और सेकंड थिंग, जैसे आपने जहां जहां ट्रीटमेंट किया है, ये मेरे मन में क्यूरी है कि ये सस्टेनेबल है क्या? मतलब एक बार ट्रीटमेंट कर लिया तो उसे सिर्फ मेंटेन करके हम लाइफ टाइमली वो जो भी स्ट्रक्चर है वी कैन यूज फॉरएवर, ऐसे कुछ हुआ है क्या? मतलब कैसे है ना कि ये सस्टेनेबल भी होना चाहिए, एक बार किया और उसमें सिर्फ मेंटेनेंस किया तो वो लाइफ टाइम वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर है हम कंटिन्यू कर सकते, ऐसे कुछ इसमें कोशिश की है क्या आपने? अभी सर जी मैं अभी लेफ्ट हो सकता हूँ सर जी? हेलो। हाँ, एक 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के बाद जाइए ना सर, कि आपको कुछ अर्जेंसी है? नहीं, अर्जेंट कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यस यस, योगेश सर, जो अभी मोरना में किया है उसको लगभग 4-5 साल हो गए, ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, अगर फ्लड हुआ होगा या कोई प्लास्टिक या ऐसा कोई पानी में फ्लोट होके अगर कुछ उसमें आया है तो वो निकलना पड़ता है, साल में 1-2 बार अगर मेंटेनेंस करेंगे। फ्लड हुआ होगा तो फिर वो जो गैबन बर्न बनाए उसमें से पत्थर निकल जाते हैं, वो सब ठीक ठाक करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें मेंटेनेंस। और बायो सैनिटाइजर अगर उसमें डाला है तो वो अब तक तो काम कर रहा है, 3-4 साल हुए हैं। तो अगर डीजल ऑक्सीजन का लेवल या कोई पोल्यूटेंट्स बढ़ गए पानी में ऐसा समझ में आया टेस्टिंग के बाद, फिर थोड़ा टॉप अप डोज करेंगे, बाकी तो कुछ करना पड़ता नहीं है। ओके ओके, थोड़ा गहराई में जाएंगे भारद्वाज साहब? मोरना
योगेश साहब कुछ गहराई में जा सकते हैं? Can we go deeper into this subject? I'll tell you what I am trying to drive at. Oxygen is not soluble in water, or it is highly, very poorly soluble, number one. वेस्ट वाटर के दरमियान जो गैसेस पैदा होते हैं, चीफली एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दे आर फार मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड दे थ्रो आउट ऑक्सीजन आउट ऑफ वाटर वॉट एवर लिटिल 6, 5, 8 ppm इज देयर. उसका माइक्रोबियल एरोबिक एनेरोबिक से कोई लेना देना नहीं. नंबर वन, हाइड्रोजन सल्फाइड इज 80 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन. सल्फर डाइऑक्साइड इज 270 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन एंड एमोनिया इज 12,000 टाइम्स मोर सोल्यूबल. आप एरेशन करें, ब्लोअर लगाते वगैरह वगैरह, फाउंटेन करते, ये इट इज ए शेयर वेस्ट ऑफ एनर्जी. आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बदल नहीं सकते. वी कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट्स मोर एंड वी कैन अप्लाई देम बेटर. वी कैन नॉट चेंज द प्रिंसिपल्स. तो एरोबिक वो ऑक्सीजन खा गए बैक्टीरिया, फिर ऑक्सीजन डीओ कम हो गया और मछली मर गई, उसका कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन नहीं. Try to understand science and then you can exploit that to the best of the benefit of all. Okay. Achha, the aerobic bacteria, so-called, they use oxygen that belongs to sulfates, nitrates. NO3 is also oxygen. CO2 is also oxygen. Yeah. Source, oxygen source. तो सवाल यह है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच इज एन अनबाउंड मॉलिक्यूल, वन ओर गोज विद अनदर ओर, इट्स नॉट इजी टू सेपरेट इट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. और एक O2 को ब्रेक करना है टू कन्वर्ट इनटू 2O स्पीसीज, इट रिक्वायर्स 495 किलो जूल एनर्जी. No cell, no living system can afford that. Nature is highly economic. जो नेचर एक भी मॉलिक्यूल कहीं वेस्ट करेगा तो उसका रिटर्न मांगता है. तो मेरे ख्याल से आप दाभोलकर साहब से भी ये पूछिए कि, और आपकी जो सबसे बड़ी दाभोलकर साहब से मेरी जो एक रिजर्वेशन है, नो IIT इन इंडिया हैज देयर ओन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट in a sustainable manner. All institutions of this country, NITs and IITs, none of them have a role model to show it to the country. Why? So this, ये तो उत्तरदायित्व बनता है. और सर एक दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि जैसे HM पाटिल सर ने आपसे सवाल पूछा कि कोई भी साइट सिलेक्शन करते हो तो पहले आप वहाँ का पूरा विलेज सर्वे करते हो, वहाँ पर विच टाइप ऑफ फैमिलीज है, और इसके अलावा वहाँ पर जो भी उनका बिजनेस, मतलब उनका जो भी लाइफस्टाइल है उसके बारे में जानते हो. तो जहाँ जहाँ आपने ट्रीटमेंट किया आफ्टर दैट आपको वहां पर लोगों को अवेयर तो करना पड़ेगा, करना होगा, मतलब आपने किया होगा कि हाउ टू चेंज देयर लाइफस्टाइल फ्रॉम बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ योर प्लांट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ योर प्लांट. तो इसके लिए आपने क्या कोशिश की है, मतलब कैसे है ना कि फिर से वो जो आपने किया है स्ट्रक्चर वो सस्टेन रहने के लिए पीपल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो उसके बारे में आपने क्या कोशिश किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. पीपल पार्टिसिपेशन इज
ओनली इम्पोर्टेंट, 80-90% पार्ट अपने प्रोजेक्ट में, सभी प्रोजेक्ट में 80-90% पार्ट जो है वो पीपल पार्टिसिपेशन का ही है। क्योंकि अगर हम लोग पीपल पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे तो अपना प्रोजेक्ट नहीं सक्सेस हो सकता है। उनको पहले बताना पड़ेगा कि हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हो, लेकिन हमने इसके पहले ये काम किया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ आपको दिखाएंगे, समझाएंगे और यहाँ से जाएंगे। आपका, आपकी नदी है, आपका नाला है, आपका गटर है, आपका वेस्ट है, वो आपको ही ट्रीट करना है, आपको ही रीयूज करना है। तो ये सब हम लोग उनको बताते हैं। और इसमें ऐसा है कि मोरना में जब काम किया या महाड़ में जब काम किया, उस समय हमने लोगों को जो भी नाले के किनारे जो भी लोग रहते थे, उल्लासनगर में भी हमने काम किया है, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि ये सभी लोगों को समझाया कि आप लोग ये जो कुक फूड वेस्ट जो भी है वो डायरेक्ट नाले में डालते हैं तो उसका असर क्या होता है, उसके बाद में जो भी फ्लोटिंग मैटर उसमें आता है, कैरी बैग, सिंगल यूज कैरी बैग, प्लास्टिक, ये वो सब जो भी आता है, ये सब आपके हेल्थ के ऊपर कितना असर करता है। और उसके बाद में हम लोग जो ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं नाला ट्रीटमेंट का, रिजर्वेशन का, जो भी है वो सब में इसमें इसका कितना हर्डल हो रहा है। लेकिन हम लोगों की समझ ये आई है कि लोगों को आप क्या काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला अप्रोच उनका ये होता है, उनका पहला अप्रोच ये होता है कि आपको पैसा मिल रहा है इसलिए आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो आदत है ये आदत हमें बदलने की, आप बाहर से आके हमें मत बताओ हमारी आदतें क्या है और हमें क्या हो रहा है ये सब। तो पहला अप्रोच तो ये होता है। तो जब हम लोग उनको कुछ दूसरे सिटी में क्या बदलाव आया, उन्होंने ये सब करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में क्या क्या फायदे हुए, ये सब हम लोग जब उनको बताते हैं और उनके अगले पीढ़ी के बारे में बताते हैं। हम ज्यादा करके क्या बोलते हैं कि आप आपके बच्चों के स्कूल के लिए इतना फीस खर्चा कर रहे हैं, बच्चों के अच्छी से अच्छी हेल्थ मिले इसके लिए जो भी वैक्सीनेशन करते हैं, जो भी मेडिकल हेल्थ चेकअप करते हैं या मेडिकल हेल्प लेते हैं, ये सब आपका कम हो जाएगा। क्योंकि उसमें ये भी एक इश्यू है, अगर आप एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपने बच्चों को कितना भी अच्छा पढ़ाया, बच्चों को लिए जो भी कुछ भी किया वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला हम उनको मैसेज देते हैं, तब उनके ध्यान में आ जाता है कि हाँ हमें हमारे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ आदतें हमें बदलनी पड़ेगी, और फिर वो धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। ये एक टाइम का काम नहीं है, इसमें कम से कम 5-6 बार आपको बार बार टिक 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 करना पड़ता है, तभी ये होता है। तो थोड़ा बहुत चेंज तो आ जाता है, लेकिन जब जिन्होंने बदल किया है, जिन्होंने अपनी आदतें बदली है, उनको अगर हम लोग हाईलाइट करेंगे, उनको फोकस में लाएंगे, उनको साथ में लेके जाएंगे, तो फिर बाकी के लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर वो फैल जाता है। योगेश साहब, आपने बहुत बहुत अच्छी बात पे ये बात करी है। तो ये जो 6-8 दफा बात करने के लिए आप जो सर्वे करते हैं, उसकी कोई इनिशियल फी तो होगी ना? बिकॉज सर्वे के बिना आप प्लांट की साइज वगैरह, डोजिंग वगैरह कैसे तय करते? तो आपका कोई सर्वे का फी होती है एडवांस? इनिशियल फीस मतलब हम लोग भी एज ए सोशल वर्क जैसे ही करते हैं, जो भी खर्चा आएगा उतना ही हम लोग लेते हैं पहले, मतलब हमारे जो भी लोग आएंगे वो करेंगे, उनका आना जाने का खर्चा, खाना रहना, बस ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और आपका टीम कितना बड़ा है, मतलब आप अकेले हो क्या इसमें, और ज्यादा लोग हैं आपके टीम में? नहीं है ना, और 12-13 लोग हैं। अच्छी, बहुत ही बढ़िया। और ये जरूरी है कि जितना ये ट्रीटमेंट हो सके, मतलब क्योंकि जैसे कि लोगों की आदत तो एक दिन में नहीं बदलने वाली है, जो बिगड़ा हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो नेचुरल ट्रीट होने में तो कितने साल लग जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जब ऐसे कोशिश करते हो तो थोड़ा थोड़ा चेंज तो हर कॉर्नर में हो रहा है। ये अभी जितने भी स्पीकर आ रहे हर एक का
जो भी है अलग अलग उनका काम करने का तरीका है। जैसे आज आपने बताया कि ये इतना जरूरी है कि ये वेस्ट वाटर पे ट्रीटमेंट करना, तो ऐसे ही सारे लोग जब मिलके हमारे नदी के लिए, हमारे प्रकृति के लिए काम करने लगेंगे तो बहुत ही बदलाव आने की संभावना है, ऐसे मुझे लगता है। अभी किसी को और कुछ बात रखना हो तो अनम्यूट करिए, फिर हम सम अप के लिए जाते हैं। शैलेंद्र जी से मुझे थोड़ा सा एक बात करना था। हाँ बोलिए। शैलेंद्र जी नमस्ते। बोले सर, आपने जो बात कही कि सिविलाइजेशन पहले नदी के किनारे पे नहीं बैठ बसती थी। हाँ। मैंने एक राजा भृतहरि 3000 साल पहले जो हो गए उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना है। हाँ। तो उनका कहना था कि जिस गांव में कोई ऋषि या विद्वान नहीं रहता, जिस गांव से नदी नहीं बहती, हाँ, उस गांव में रहना नहीं चाहिए, ऐसा हाँ। उनका कहना था। वो इट इज लॉन्ग बैक, 3000 साल पहले का था। तो हाँ। आपका जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्ररी लगता है मुझे। नहीं, कैसा है कि देखो, पॉपुलेशन भृतहरि जब थे तब तो पॉपुलेशन तो था नहीं। आप कभी भी घर लेते हो, आप अगर कोई भी लोग आपको घर चाहिए, घर लेते हो तो आप क्या करते हो, वहां क्या है पहले देखते हो, पहले पानी मिलता है क्या अच्छी तरह से, वहां पानी का सप्लाई कैसे है, वहां अम्यूनिटी कैसे है, ये देख के उधर रहने के लिए जाते हो। तो तब की भी पब्लिक वही से देखते थे ना कि मुझे सहूलियत कहाँ मिलेगी पानी की, तुरंत तो नदी के किनारे मिलती थी। और अभी इसका ऐसा था कि मैंने जो बोला नदी के किनारे नहीं रहते थे, जो भी स्ट्रीम थी, बड़ी स्ट्रीम उपनदी बोलते हैं, नदी तो आप एक ही, आप नदी की ही बात कर रहे हो, मैं तो उपनदी और ओढ़े की बात कर रहा हूं, उसपे भी सिविलाइजेशन था ना, आज भी रहता है। मैं वो बचाने की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी भरद्वाज जी ने काम किया है, वही काम करना जरूरी है, लेकिन वो नेचुरल स्थिति में होना चाहिए। जो नक्शे में है वो तो नेचुरल हो, सभी ने होगा नहीं, लेकिन जो नक्शे में है उसको तो नेचुरल होना चाहिए। उसको पाइप में लेके जाना, सीमेंटीकरण करना, ये गलत है। अगर ये करते हैं तो होगा क्या, सलाह हुई है ओड़ा किनारे के रिपल कंसेस बोलता हूँ, उसमें बोलता हूँ एक तो मेरा हार्वेस्टिंग कम हो जाएगा, हार्वेस्टिंग कम होगा तो अंडर सतह जो जाता है पानी वो भी बंद हो जाएगा, जो झरने निकलते वो भी बंद जाएंगे, वो जो वहां से जलाशय तक जाता है वो भी पानी बंद हो जाएगा। ओढ़ा या नाला सिर्फ नदी के लिए नहीं होता है, वो खेती के लिए भी काम को आता है, जलाशय के लिए, जो तालाब थे या कहीं जल संचय था इसके लिए भी वो ओढ़े नाले काम को आते हैं। जैसे कि अभी विशाल जी काम कर रहे ऊपर तालाब के लिए, तो उसको ओढ़ा आता है तभी तो तालाब होगा, वो नाला होगा उसको सुरक्षित पहले कर लो तो तालाब सुरक्षित होगा। दूसरी बात यह है इसको इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसका डिमार्केशन कहीं पे भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं ना नाले का है, न ओढ़े का है, न जलाशयों का डिमार्केशन, एरिया डिमार्केशन किसी भी गांव में नहीं है। मैं वो मांग रहा हूं, अभी जो चल रहा है मेरा वही हो रहा है। पहले ब्लू लाइन और रेड लाइन क्यों थी, मैं थोड़ा सा मुनि जी से बात ये बोलता हूं कि थोड़ा सा मुझे गाइड कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो देख के। जैसा कि पहले पानी आता था तो रेड लाइन तक आता था, रेड लाइन के बाद अंदर जो डीपेस्ट पार्ट इज द रिवर या नाला आता है, तो होता था क्या, वो रेड लाइन तक रुकता था, फिर अंदर जाता था, धीरे धीरे वो नदी को देता था, वहां से ब्लू लाइन तक, ब्लू लाइन से नदी को फ्लो करने के लिए काम को आता था। जैसे कि वहां की मिट्टी भी जो आता है वो मिनरल्स लेके आता है, तो मिट्टी भी उपजाऊ होती थी और पानी का भी वहां संचय होता था, पकड़ के रखता था और धीरे 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 बढ़ने के लिए काम को आता था। इसीलिए जो इरिगेशन सिस्टम पहले थी उसमें ब्लू लाइन और रेड लाइन का अस्तित्व जतन करने के लिए बोला गया था जल संपदा से, लेकिन अपना दुर्भाग्य यह है
हम मांग भी नहीं रहे है, हम जितने भी एनजीओ काम कर रहे वो उसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उसके लिए काम नहीं कर रही। ओढ़े का भी एक एरिया होता है कि 7.5 मीटर के बाद इतनी जगह छोड़नी चाहिए, वो नेचुरल स्थिति में रहना चाहिए और उसकी इतनी जगह रखोगे तभी वो ओढ़ा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, जो सरफेस वाटर से पानी लेके जाता है, नेचुरल वाटर लेके जाता है। आज ओढ़े की सिचुएशन क्या है, उसी ओढ़े में ड्रेनेज डाला है, तो नेचुरल स्थिति का जो वाटर है वो भी हम जतन नहीं कर पा रहे। फिर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, है उसको जतन किया तब भी अपने पास काफी है, बहुत काफी है, ताकि अपना जो भारत है इसमें तीन सीजन ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। और ये सभी तरफ पानी का अगर देखते हो, बारिश का कितना गिरता है उसका अगर लेवल निकालते हो, तो हर एक जगह को पानीदार जल युक्त बन सकता है, बशर्ते तांत्रिक वहां के जो भी तज्ञ लोग है, तांत्रिक जो भूजल तज्ञ है, हाइड्रोलॉजिस्ट है, जो बॉटनिस्ट है, आप भी हो बॉटनिस्ट, इनका भी जरूरत है। मैं बोलता हूँ जितना ऑक्सीजन पेड़ देता है उससे ज्यादा तो खेती देती है, खेती को करो ना, पेड़ लगाने से अच्छा है कि खेती को करो तो पंछी को भी मिलेगा, हर जीव सृष्टि को खाना मिलेगा, जो बैक्टीरिया जो नहीं दिखता है उसको भी खाना मिलेगा। आज हम खेती छोड़ के प्लांट की तरफ जा रहे हैं, कल खाना नहीं मिलेगा, इस पे भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है जो नैसर्गिक खेती की तरफ अगर वापस डाइवर्ट करना होगा, ताकि वो ग्रास जितना ऑक्सीजन देता है, वो धान जितना ऑक्सीजन देता है, वो भी तो देता है, हर एक चीज देते देते देता है, हर एक जीव को देते देते देता है, इसका भी अभ्यास करके तो इसके लिए भी बढ़ावा देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मैं इनको पूछ रहा था भरद्वाज इनको, कि जो आपने जो पानी जाते है, आप बायो सैनिटाइजर डालते हो, बवाल कर, ये मेरे गुरु है उनके साथ भी मैंने काम किया है, तो सेरी ने भी एक काम किया था, जब वो बंद डालते हैं वहां उन्होंने बायो कल्चर डालते थे आपका सैनिटाइजर है, तो उन्होंने एक एरिया पकड़ा था, उतने एरिया में नहीं होता है वो, नदी आगे तक जाके, ताकि जाने वाला फ्लो लेके जाते वक्त वो वही पानी लेके जाता है ना, तो वो सीमित नहीं होता 1 किलोमीटर तक, आधे किलोमीटर तक, वो आगे भी उसका रिपल कंसेस आता है। तो ऐसा भी मुझे लगता है आपको स्टडी करना होगा कि यहाँ तो दिखाई दे रहा है उसका रिजल्ट, आगे भी उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिला है, तो इसके ऐसा अगर होता है तो लोगों को रिप्लिकेशन करने में अच्छा रहेगा। और वो जो बोलते हैं गांव वाले क्यों जमा होते हैं, मैं भी गांव में काम करता हूँ, उनकी परफेक्ट सिचुएशन है, परफेक्ट वही सिस्टम से काम करता हूँ मैं भी। लोगों को एक बार ध्यान में आ जाए ना, ये मेरे हेल्थ के लिए है, ये हमारे फायदे के लिए है, तो लोग जी जान से जुट जाते हैं, गाँव का गाँव बदल जाता है। मैंने गंगा दौर का मेरा अनुभव है, जो गंगा नदी गोदावरी नदी का उद्गम है वहां का मेरा अनुभव है, महादरवाजा मेट जो वैतरणा नदी का उद्गम है वहां का अनुभव है, आलंदी का अनुभव है, वहां के लोगों को अगर समझे कि ये अपने लिए का है, ये अपने लिए हो रहा है, तब वो बचाने के लिए करेगा, लेकिन अपने लिए जब होगा तब उसका खुद का पार्टिसिपेशन लोगे, तब करते वक्त आप करोगे मैं आपकी सेवा करने आया हूं, उसका रिजल्ट भी जब होगा तब आपने किया, ये आप ही का है, आप ही को संभालना है, इस भाव से जब करोगे तो ही वो सस्टेन होगा, मैंने किया हमारे संस्था ने किया तो कभी भी नहीं होगा, ताकि उसको अपना लगेगा ही नहीं ना, अपनत्व लाने की जरूरत है, और अपनत्व लाने के लिए हर एक का सिर्फ ज्ञान दे के काम नहीं होगा, सिर्फ उसमें भक्ति जगा के काम नहीं होगा, उसको एक्चुअली काम पे लेके जाना होगा। वो अगर एक भी वहां से पत्थर उठाता है, एक भी थैली उठाता है, उसको लगेगा कि दिस इज माइन, आई डिड इट, अभी उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको थोड़ा तो काम करने को लगा, वो जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव भी है, ये मैं पार्टिसिपेट इनको आपको बताना चाहता हूँ, बस धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। मुनी सर कुछ बोल रहे थे, मुनी सर आप कुछ बात कर रहे थे।
बोलने के लिए तो कितना है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, इंफॉर्मेशन डज नॉट कन्वर्ट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्रैक्टिस। करेक्ट, शैलेंद्र साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी है, बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग। हम पुराने ऋषि मुनियों का कोई चित्र देखते हैं, पेंटिंग, तो उसकी थाली में रोटी नहीं थी, फल थे। इन ग्रेनरी बेस्ड एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस हैव नॉट लास्टेड। आप बेबीलोन मेसोपोटामिया का हिस्ट्री देख लीजिए, 2500 साल पहले जो रोम जो उस जमाने का था, जो बेबीलोन इज टूडेज इराक और रोम, जो वो दे गेव अस एस्ट्रोफिजिक्स, हाइड्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, क्या नहीं दिया। करेक्ट, बट दे हैड टू लीव दैट प्लेस, रेफ्यूजी बन गए सब। क्यों? क्योंकि नॉट दैट दे हैड नो वाटर दैट टाइम, ड्यू टू ओवर इरिगेशन द सॉइल बिकेम सो सोडिक दैट द पीएच हैड शॉट अप बिफोर बियॉन्ड 9.5 and 10। वहां कैक्टस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और उकाई के नीचे बारडोली एरिया में यही हो रहा है अब। गन्ने की शेरडी में हमने पानी के अलावा कुछ देखा ही नहीं, पानी के बाद पैसा दे, उसमें कहीं एग्रीकल्चर नहीं है, कहीं नेचर नहीं है, कहीं सोइल भी नहीं है। तो सवाल यह है कि वाटर इज अमन इज सर्विंग अस वेल, सस्टेनिंग अस वेल, फाइन, बट वी कैनॉट यूज वाटर एज अवर ऑनरशिप, वी डू नॉट ऑन दिस प्लैनेट, ये समझना पड़ेगा। और ये घंटों की बात हो सकती है, दिनों तक हो सकती है, मगर शैलेंद्र साहब ने कहा कि अच्छा, अर्लियर वी वेर इन द एज ऑफ टनेज पर एकर, फ्रॉम देयर वी केम टू क्रॉप पर ड्रॉप, वी आर इन एन एग्रीकल्चर पीरियड नाउ विथ 8 billion प्लस माउथ टू फीड, वी हैव टू गो टू कैलोरी पर ड्रॉप एंड प्रोटीन्स पर ड्रॉप। अब 10 टन, 50 टन, 5000 टन, ये भूल जाओ, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सीड का जो सेल्यूलोस कोटिंग है उसको डाइजेस्ट करने का कोई एंजाइम नहीं है। अगर सीड खाना है तो दो ही तरीका है, या तो आप स्प्राउट करें या उसको फर्मेंट करें। जो साइंटिफिक अवेलेबल डेटा है, पाटिल साहब कैन सब्सटेंशिएट दैट और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 96% ऑफ द ग्रेन्स वी ईट दे पास थ्रू विदाउट एनी चेंज इन ऑर्डर, विदाउट डाइजेशन। या तो पुराने जमाने में हमारे वडील कहते हैं कि ड्रिंक योर फूड, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि पूरी सेल्यूलोस कोटिंग ब्रेक हो जाए, तो सीड के अंदर की बात कुछ हमारे काम में आएगी। तो सीड इज नॉट सपोज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन बॉडी, सीड का एक ही रोल है कि उसके डीएनए को तब तक प्रोटेक्ट करे कि जब उसको सुविधा मिलेगी तो पौधा बनेगा। तो अभी एक एक्सकेवेशन जो इसराइल में हुआ, उसमें कुछ 2500-3000 साल पुराने गेहूं के सीड्स का एक अर्दन पोर्ट में 3000 year old सीड्स, देन दे टूक इट टू देयर लेबोरेटरी एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनवायरमेंट, दोस सीड्स जर्मिनेटेड। आप भूल जाओ कि ये जो गेहूं बाजरी खा रहे हैं वो हमारे लिए रॉन्ग, अन्याय तो है ही है, बट हम साइंस को इग्नोर करके कहां तक आगे जाएंगे। मुझे तो जो क्लियोपेट्रा, मेसोपोटामिया, जूलियस सीजर, ये जो सिविलाइजेशन खत्म हुए, तो हमको तो जाना ही जाना। बाकी बात सोइल की, सोइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी,
is 8 times the total of world rivers. Amazon, Nile, Tigris, Athens, Sierra, Gangaji, जो भी नदियों का नाम आपका आता है ले लो, multiplied by 8, that is the water retention capacity of the soil. और वो शैलेंद्र साहब ने बोला सोइल को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वी हैव कंक्रीटाइज्ड द सरफेस, कोई कोई चारा नहीं. एंड ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं आपसे बोल रहा हूँ, माय एवरी एक्सहेलिंग, मेरी हर सांस से 40,000 ppm कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, आपकी सांस में भी. वो रेस्टिंग की बात है, रनिंग एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ. Global warming is due to the amount of water vapor we have released in the environment. Up temperature curve, jo hockey stick curve hai temperature ka, global temperature, aur water vapor ka curve de dijiye, dekh lijiye, it correlates. Carbon dioxide and temperature curves don't correlate. So we as a species have a commercial addiction, and we violate the laws of nature every now and then. And nature does not, nature is economics, but it's not profit. Profit is a withdrawal of resources from the system. More we are profit driven, the more we are profit driven, the sooner we go. Thank you. Yes. Thank you, sir. हमारे सारे बुजुर्ग और इंटेलेक्ट यहाँ पे है, और ये इतनी हमारी कम संख्या जो चर्चा कर रही है कि what is sustainable and what is in a judicious way how we can use the natural resources. तो सर आपकी बात unfortunately सही होने जा रही है बहुत जल्द. हम सिविलाइजेशन या हमारा जो है वो भी जल्दी खत्म होने जा रहा है, लेकिन हमारे ईश्वर माली जैसे सर है जो निरंतर अपने निरंकुश प्रयास कर रहे हैं, और योगेंद्र जी जैसे लोग हैं जो अपने ट्रायल एंड एरर टेक्नोलॉजी से हमें रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कम भी सुनने वाले हैं, लेकिन वी होप वी कैन लॉन्ग लास्ट अवर ब्रीथ अवर जनरेशंस. So I will hang over to the Vishal ji. Thank you, sir. Yogesh sir और ईश्वर माली सर, आपको कुछ बात रखना होगा एक दो मिनट में, फिर हम सम अप के तरफ जाते. You can unmute and speak. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसके आगे के वेबिनार भी मैं जरूर ज्वाइन करूंगा. आप मुझे मैसेज देते रहिए, क्योंकि डिस्कशन जो भी हो रहा है वो भी अच्छे तरीके से, इकोलॉजी नेचर भी अच्छे तरीके से मर रहे, तो मुझे तो अच्छा लगा और मैं सबका आभारी हूँ बात रखने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ. और जो भी काम मैंने किया है उससे अच्छी बात है और नई बात है मुझे आज मालूम हुई, इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ. ईश्वर माड़ी सर. हाँ बोले सर. और इसके आगे भी अगर मीटिंग रहेगी, आज तो कोई थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन बहुत अच्छा तरीके से सब सब्जेक्ट थे तो अच्छा लगा मेरे को. धन्यवाद ईश्वर जी. धन्यवाद योगेश जी. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आओ तापी नदी को जाने के टीम के तरफ से आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रार्थना से आज का ये मीटिंग समाप्त कीजिए. शैलेंद्र सर. Thank you.
प्रणाम सभी को, प्रणाम। एक एक बात ऐसी है कि मैं पंचतत्व मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तब ये पढ़ाता हूं कि मैं हर रोज भगवान के दर्शन लेता हूं। तो पूछते हैं कैसे, तो मैं बोला मुझे मेरे जन्मदाते माँ बाप है उनका, अब है तो उनको उनकी सेवा करो, एटलीस्ट उल्टा मत बोलो, उनकी सेवा करो या उनको याद तो करो सुबह। दूसरा भगवान जो दिखता है जो ये पंचतत्व है, जो मुख है, जो बात नहीं करते, पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है, जमीन मुझे उर्वरता देती है, धान देती है, या पानी मुझे जीवन देता है, सूरज मेरे को ऊर्जा देता है, आकाश मेरे को अनंतता सिखाता है, इसके प्रति ये भी मुझे, इनका ही तो मैं बच्चा हूँ, इसकी वजह से मैं जीवन दू, मेरे अंदर भी वही तो पंचतत्व है। फिर तीसरा जो इस सब का संचालन करता है, पंचतत्व का संचालन करता है जो बाहर के, उनको मैं विनती करता हूँ कि मेरे अंदर के भी पंचतत्व को शांत कीजिए, ताकि उसमें भी लोभ है, काम है, क्रोध है, मत्सर है, सभी है, उसको प्रदूषण मुक्त, विचारों का और आचरणों का प्रदूषण मुक्त करके मुझे आरोग्यदायी आनंददायी जीवन आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल दे, ये डेली प्रार्थना करता हूँ। ये उस पंच तत्वों को मैं अभी विनती करता हूँ कि हमारे वजह से कुछ गलतियों की वजह से या ग्रीड की वजह से हमने नुकसान किया है, इसलिए शांत हो जाओ। लेकिन उसके साथ साथ आगे की विनती ये भी है, हमें आपको पुनः उस तरह प्रस्थापित करने के लिए हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो, हमें भक्ति जगाकर हमसे कार्य हो करवा लो, ये विनंती करते वक्त एक शांति पाठ में बोल रहा हूँ उस पंच तत्व के लिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामाम शांतिरेगि ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट सुशांतिरभवतु ओम शांति शांति शांति। सभी महानुभाव को प्रणाम, प्रणाम सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद, जय जगत, फिर से मिलते अगले वेबिनार में, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी मैंने बहुत दिनों के बाद में अटेंड किया, सच में मुझे सत्संग में बैठने जैसा लग रहा है कि इतने बुजुर्ग लोगों में ये उनके बात मैंने मिस किया बहुत दिनों से, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा। यस यस,